जय हिंद, जय जोहार। मैं स्वप्निल तिवारी इस डिजिटल प्लेटफॉर्म में आप सभी का फिर से स्वागत करता हूं। दोस्तों, आप सभी सीजीपीएससी प्रीलिम्स की तगड़ी तैयारी कर रहे हैं। इस तैयारी में स्वयं का आकलन करने का सबसे सटीक तरीका होता है टेस्ट सीरीज। जी हां, टेस्ट सीरीज ज्वाइन करते समय हमें कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए जो मैं आपसे शेयर करना चाहता हूं। सबसे पहले तो हमें इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि जो टेस्ट सीरीज हम ज्वाइन कर रहे हैं वहां क्या प्रश्नों की गुणवत्ता वर्तमान परीक्षा के पैटर्न को मैच करती है, क्या वहां जो प्रश्नों का स्तर है वर्तमान परीक्षा में पूछे गए प्रश्नों के स्तर को मैच करता है। जी हाँ, ऐसा ही टेस्ट सीरीज है चंद्रा एकेडमी टेस्ट सीरीज। चंद्रा एकेडमी कई वर्षों से टेस्ट सीरीज के क्षेत्र में विद्यार्थियों का विश्वास हासिल कर चुका है। चंद्रा एकेडमी टेस्ट सीरीज की यही खासियत है कि वर्तमान परीक्षा को ध्यान में रखते हुए ही क्वेश्चंस का निर्माण किया जाता है। इसके अतिरिक्त आपको यह भी ध्यान रखना चाहिए कि आप ऐसी टेस्ट सीरीज दिलाएं जहां अधिक से अधिक विद्यार्थियों के साथ आपका कंपटीशन हो, अर्थात जहां बहुत सारे विद्यार्थी टेस्ट दिला रहे हैं। जब आप बहुत सारे विद्यार्थियों के बीच बैठ के टेस्ट दिलाते हैं तो कई हजार की संख्या में आप स्वयं का आकलन कर पाते हैं, आपको आपका रैंक मिलता है और आप परीक्षा में आप किस रैंक पे पहुंचेंगे इसका आप एक अनुमान लगा सकते हैं। तो इसके लिए भी चंद्रा एकेडमी एक बेटर ऑप्शन है। इसके साथ ही मैं आपको बताना चाहूंगा कि चंद्रा एकेडमी टेस्ट सीरीज की एक और विशेषता है, यदि आप यहाँ टेस्ट सीरीज ज्वाइन करते हैं तो आप उन अभ्यर्थियों के साथ तो टेस्ट सीरीज देंगे ही जो पहली बार एग्जाम दे रहे हैं या पहली बार टेस्ट सीरीज दिला रहे हैं, लेकिन चंद्रा एकेडमी के टेस्ट सीरीज के अभ्यर्थियों में काफी अभ्यर्थी ऐसे हैं जो सीजीपीएससी की परीक्षाओं में तथा व्यापम की विभिन्न परीक्षाओं में चयनित है, उच्च पद की प्राप्ति के लिए टेस्ट सीरीज दे रहे हैं और स्वयं का आकलन कर रहे हैं। तो आपका कंपटीशन चयनित अभ्यर्थियों से भी है, नए अभ्यर्थियों से भी है, तो कहीं ना कहीं ये एक बेहतर प्लेटफॉर्म है। तो चंद्रा एकेडमी टेस्ट सीरीज जरूर ज्वाइन कीजिए। यदि आपने चंद्रा एकेडमी टेस्ट सीरीज ज्वाइन नहीं किया है तो जान लीजिए 2 नवंबर छत्तीसगढ़ भूगोल के पहले भाग से यह टेस्ट सीरीज प्रारंभ हो गई है। आप ज्वाइन कर सकते हैं, आपको क्वेश्चन पेपर अलॉट कर दिया जाएगा। ऑनलाइन मोड में तो आप टेस्ट दिला भी सकते हैं, ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों मोड में अवेलेबल है। 29 जनवरी तक यह टेस्ट सीरीज चलेगी। इसके अतिरिक्त टेस्ट सीरीज की और अधिक जानकारी के लिए दिए गए नंबर पे, डिस्क्रिप्शन में दिए गए नंबर में भी आप संपर्क कर सकते हैं। इसके साथ ही मैं यह भी बताना चाहूंगा कि चंद्रा एकेडमी ऑफलाइन क्लासेस तो संचालित है ही, लेकिन चंद्रा एकेडमी अब ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर भी उपलब्ध है। चंद्रा एकेडमी की सारी ऑफलाइन कक्षाओं को आप घर बैठे ऑनलाइन मोड में भी ज्वाइन कर सकते हैं। जी हाँ, चंद्रा एकेडमी की सारी कक्षाएं जैसे कि सीजीपीएससी प्री और व्यापम की कक्षा आप लाइव मोड में या रिकॉर्डेड मोड में भी ज्वाइन कर सकते हैं। फीस डिटेल दी हुई है। आप चंद्रा एकेडमी ऑनलाइन क्लासेस एप्लीकेशन डाउनलोड कीजिए या इस क्यूआर को स्कैन करके भी ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। प्रीलिम्स और व्यापम की कक्षाओं की वैलिडिटी 1 साल की रहेगी और इसमें वीडियोस की संख्या लगभग 1200 से अधिक है और वर्तमान में जितने भी नए वीडियोस बनेंगे वो आपके कोर्स में ऐड होते जाएंगे। इसके साथ ही आप मेंस की कक्षा भी ज्वाइन कर सकते हैं। मेंस की कक्षा भी आप रिकॉर्डेड मोड में या लाइव मोड दोनों में ज्वाइन कर सकते हैं। मेंस के कोर्स की वैधता रहेगी 2 साल। इसके अतिरिक्त यदि आप केवल मैथ्स की कक्षा भी ज्वाइन करना चाहते हैं तो उसकी फीस रहेगी मात्र 999। मेरे द्वारा मैथ्स और रीजनिंग का कंप्लीट कोर्स आपको अवेलेबल रहेगा मात्र 999 रुपए में, जिसकी वैधता 6 महीने की रहेगी और 200 से अधिक वीडियो लेक्चर उपलब्ध होंगे। इसके अतिरिक्त आप छत्तीसगढ़ भी पृथक ज्वाइन करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, कंप्यूटर की कक्षा ज्वाइन करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, व्यापम का आप यदि कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं जिसके अंतर्गत आपको एडीओ, हॉस्टल वार्डन, पटवारी, फूड इंस्पेक्टर, लेबर इंस्पेक्टर सभी के वीडियोस उपलब्ध होंगे, तो 1000 से अधिक वीडियो लेक्चर के साथ आप व्यापम की कक्षा भी ज्वाइन कर सकते हैं, जिसे आप शॉर्ट टर्म बेसिस अर्थात मात्र 2500 रुपए की फीस या ईयरली बेसिस 6999 रुपए की फीस के साथ ज्वाइन कर सकते हैं। बाकी ऑनलाइन कोर्स की अधिक जानकारी के लिए आप दिए गए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। अगर आपको ईयरली पैकेज महंगा लगे या फीस ज्यादा लगी या इकोनॉमिकली थोड़ा डिफिकल्टी है हमारे पास, तो मंथली सब्सक्रिप्शन भी उपलब्ध है जिसमें आप प्री मेंस और व्यापम जिसमें 2500 से अधिक रिकॉर्डेड वीडियो लेक्चर्स उपलब्ध हैं आप मात्र 995 रुपए प्रति माह देकर भी ज्वाइन कर। चलिए बिना किसी देरी के टेस्ट सीरीज के डिटेल एनालिसिस को शुरू करते हैं। भाई, जिन
कैंडिडेट्स ने ये टेस्ट दिया है उन सभी के लिए तो हेल्पफुल है ही। आपको किसी भी प्रश्न में कोई भी डाउट होगा उसका एक्सप्लेनेशन आपको इस वीडियो के द्वारा मिलेगा। जिन्होंने टेस्ट नहीं भी दिया है तो वह इस वीडियो को जरूर ध्यान देंगे। क्यों? क्योंकि ये एक 100 क्वेश्चन का MCQ है, 100 क्वेश्चन का ये एक पहला वीडियो है और ऐसे बहुत सारे वीडियो की सीरीज आपके लिए हम लेकर के आएंगे। तो ये जो वीडियोस हैं ये आपके एक मास्टर रिवीजन, क्विक रिवीजन का कार्य करेंगे, आपके रिवीजन में काफी हेल्पफुल रहेंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर वन हमसे ये कह रहा है कि सीमांत उच्च भूमि के संबंध में विचार करें। छत्तीसगढ़ का मैदान चारों ओर से उच्च भूमियों से घिरा हुआ है। जी हाँ भाई, बिल्कुल सही है। उच्च भूमि गोंडवाना दक्कन ट्रैप शैल समूहों से निर्मित है। इस लाइन में हो सकता है डाउट हो। तीसरा लिखा हुआ है इसका विस्तार लगभग 36,400 वर्ग किलोमीटर है। बिल्कुल सही है, यह उच्च भूमि आद्य शैल समूहों द्वारा निर्मित है। दूसरा और चौथा में कुछ कैंडिडेट्स को डाउट हो सकता है। तो देखिए भाई, ध्यान रखिए इस बात को कि छत्तीसगढ़ राज्य ग्रंथ अकेडमी की जो भूगोल की पुस्तक है एलन वर्मा, उसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि छत्तीसगढ़ राज्य की सीमांत उच्च भूमि आद्य शैल गोंडवाना और दक्कन ट्रैप के द्वारा निर्मित है। इसीलिए रेफरेंस के तौर पे हमने इन दोनों को भी सही लिया है और इस प्रकार आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। चारों कथन हमारे सही हैं। आप यहाँ पर ये लॉजिकल पॉइंट ध्यान रख सकते हैं कि भाई आद्य शैल गहराई में ही होता है और दक्कन और गोंडवाना आपको लगेगा कि भाई दक्कन तो पाट प्रदेशों में है या गोंडवाना तो यहाँ नहीं है। चूंकि छत्तीसगढ़ राज्य ग्रंथ अकेडमी में ऐसा लिखा हुआ है, इसीलिए आंसर इसे भी माना जाएगा अगर किसी एग्जाम में पूछा जाता है। तो दूसरा, में कुछ इन बातों का भी ध्यान रखना चाहिए कि कुछ ऐसे फैक्ट होते हैं जो आम परीक्षाओं के लिए तो बिल्कुल अलग रहेंगे, लेकिन CGPSC के द्वारा अगर कोई फैक्ट माना जा रहा है तो हमें उस एग्जाम के अकॉर्डिंग ही उस फैक्ट को मानना है। ऐसे एक दो प्रश्न आएंगे, आगे देखते हैं। चलिए अगले प्रश्न में आते हैं। क्वेश्चन नंबर टू लिखा है कोरबा जिला के संबंध में सत्य कथन का चयन करें। क्या लिखा हुआ है? कोरबा शहर को ऊर्जा नगरी की संज्ञा दी जाती है। जी भाई, बिल्कुल सही है। इस जिले का गठन 1998 में हुआ। बिल्कुल सही है। कोरबा जिला छत्तीसगढ़ के सर्वाधिक जिलों को स्पर्श करने वाला जिला है। जी हाँ, ये भी कथन बिल्कुल सही है। छत्तीसगढ़ की तैयारी में आप बेसिक नॉलेज में इसे आप जरूर पढ़ते हैं। कोरबा सारणगढ़ और रायगढ़ जिले के साथ अपनी सीमा बनाता है। कोरबा सारणगढ़ के साथ अपनी सीमा नहीं बनाता, इसीलिए ये कथन गलत हो जाएगा। बुका जलाशय कोरबा जिला के अंतर्गत शामिल है। जी हाँ बिल्कुल, बुका जलाशय तो बहुत फेमस है, कोरबा जिला में ही शामिल है। तो इस प्रकार हमारा उत्तर होगा 1, 2, 3 और 5। तो 1, 2, 3 और 5 यानी ऑप्शन नंबर बी। चलिए आगे चलते हैं। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन नंबर 3 ये कह रहा है कि निम्न में से नदी एवं सहायक नदी की जोड़ी जो है सुमेलित नहीं है। देखते हैं भाई क्या लिखा हुआ है यहाँ पर। महानदी, बोरई नदी, जी हाँ बिल्कुल सहायक नदी है। शिवनाथ नानकट्टी नदी, बिल्कुल सहायक है। हसदेव की उतेंग, बिल्कुल सहायक है। तो बचा आंसर, ये पढ़ने की जरूरत ही नहीं है, पर पढ़ेंगे भी तो भाई ये बस्तर संभाग की नदी है और ये सरगुजा संभाग की नदी है, तो बिल्कुल भी सुमेलित नहीं है। चलिए अगले क्वेश्चन में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 हमसे कह रहा है निम्न में से कौन सा जलप्रपात और जिला सुमेलित नहीं है। कोठली जलप्रपात बलरामपुर में है, बिल्कुल सही है। चूल जलप्रपात कोरिया में है, बिल्कुल सही है। सात देव धारा जलप्रपात महासमुंद में है, बिल्कुल सही है। इसको चेक करना ही नहीं है, ऑप्शन डी आपका आंसर है। और चेक करेंगे पढ़ेंगे तो सूरतगढ़ जलप्रपात आपका कांकेर जिला के अंतर्गत नहीं है, सूरतगढ़ जलप्रपात है दंतेवाड़ा जिला में। ध्यान रखेंगे डंकनी नदी पर है सूरतगढ़ जलप्रपात। चलिए आगे चलते हैं, अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 लिखा हुआ है कि परियोजना के संबंध में कुछ कथन दिए गए हैं, इनमें से सत्य कथन का चुनाव करें। सिकासार परियोजना की स्थापना पैरी नदी में हुई है, 1975 को की गई है। बिल्कुल सही है, पैरी नदी पे 1975 में की गई है। संजय गांधी खारंग जलाशय की स्थापना खारंग नदी में 1910 में हुई है। बिल्कुल गलत है, स्थापना 1920 में हुई है, ध्यान रखेंगे 1920। तांदुला परियोजना प्रदेश की प्रथम परियोजना है, बिल्कुल सही है, जिसकी स्थापना बेमेतरा जिले में की गई है। ये वाली लाइन हमारी गलत है, चूंकि ये हमारी गलत है इसलिए इकलौता सही क्या हो जाएगा हमारा, सिकासार परियोजना की स्थापना ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, बालोद जिले में है भाई तांदुला परियोजना, बेमेतरा में नहीं है। चलिए अगले क्वेश्चन में आते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 हमसे कह रहा है कि बोध घाट परियोजना के संबंध में सत्य कथन बताइए। ठीक, तो बोध घाट परियोजना के संबंध में सत्य कथन पहला लिखा हुआ है,
स्थान बारसुर दंतेवाड़ा, जी हाँ बिल्कुल सही है। दूसरा लिखा हुआ है नदी शंखनी, अरे बोध घाट तो प्रसिद्ध ही है, इंद्रावती की एक बहुत ही प्रसिद्ध प्रस्तावित परियोजना है ये, तो इसलिए दूसरा वाला तो गलत हो गया। अब आपको सत्य कथन का चयन करना है तो स्वाभाविक सी बात है कि दूसरा वाला गलत है। दूसरा वाला आपके इस ऑप्शन में भी है, दूसरा वाला इस ऑप्शन में भी है, इस ऑप्शन में भी है, बाकी पढ़ने की जरूरत नहीं है, ऐसे ही ऑप्शन को आपको सेलेक्ट करना चाहिए, आपका समय भी बचेगा और जबरदस्ती दिमाग में प्रेशर भी नहीं आएगा। समझ आ रहा है ना? ये तो 100% आप श्योर हैं कि जो नदी है संखनी, और संखनी नदी तो नहीं है, वो इंद्रावती नदी है, यानी ये वाला कथन आपके ऑप्शन में उत्तर में नहीं आएगा। तो जहां जहां दूसरा दिया है सभी ऑप्शन में दिया, सबको उठा के काट दिया, ऑप्शन नंबर सी, बाकी पढ़ने की आवश्यकता ही नहीं। समझ आ रहा है ना? यही कुछ छोटे मोटे फंडे हैं जिसे हम इस एक्सप्लेनेशन के दौरान सीखते जाएंगे। चलिए आगे देखते हैं। इसके बाद लिखा हुआ है कि राष्ट्रीय कृषि बाजार पोर्टल के संबंध में विचार कीजिए। राष्ट्रीय कृषि बाजार, ठीक है, ई नाम, ई नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट, देश के 585 कृषि उपज मंडियों को जोड़ा गया है, चिन्हांकित किया गया है। जी हाँ, ये कथन तो बिल्कुल सही है। प्रदेश के 14 नियमित कृषि उपज मंडियों को राष्ट्रीय कृषि बाजार से जोड़ने हेतु चिन्हांकित किया गया है। जी हाँ, ये भी बिल्कुल सही है। कुरुद एवं राजिम को उपज मंडी के प्रथम चरण में जोड़ा गया है। भाई कुरुद और राजिम दोनों को जोड़ा जा रहा है, ये तो सही है, लेकिन ध्यान रखिए कुरुद जो धमतरी में है इसे पहले चरण में जोड़ा जा रहा है और राजिम को दूसरे चरण में जोड़ा जा रहा है। पहले चरण में 5 क्षेत्र है और दूसरे चरण में 9 है, 9 और 5, इस प्रकार 14 नियमित कृषि उपज मंडियों को चयनित किया गया है, जिसमें पहले में ही है आपका कुरुद और दूसरे में है राजिम, दोनों प्रथम चरण में नहीं है, इसीलिए तीसरा वाला क्या हो जाएगा, गलत। सत्य कथन का चयन करना है तो पहला और दूसरा सही है, ऑप्शन नंबर ई, ध्यान रहेगा जी। चलिए आगे चलते हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर आठ, भाई आप पढ़े ही होंगे, ये याद होना चाहिए। भारतीय जलवायु के वर्गीकरण के संबंधित जलवायु विशेषज्ञ कोपेन के अनुसार छत्तीसगढ़ की जलवायु कैसी है? तो छत्तीसगढ़ की जलवायु उष्णकटिबंधीय नम पर्णपाती जलवायु है। ये तो मतलब बेसिक भूगोल में आप पढ़ते ही हैं। ये ऐसा चीज है कि यदि आपसे पूछा जा रहा है रैम का फुल फॉर्म, तो ऑप्शन थोड़ी ना पढ़ेंगे आप, सीधा रैंडम एक्सेस मेमोरी पढ़ेंगे। तो वैसे ही छत्तीसगढ़ की जलवायु सीधा आप यही पढ़ेंगे, उष्णकटिबंधीय नम पर्णपाती, बाकी पढ़ के खुद को कंफ्यूज नहीं करना। चलिए आगे चलते हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर नौ लिखा है कि छत्तीसगढ़ के निम्न नदी अपवाह तंत्र को बढ़ते क्रम में व्यवस्थित करें जल ग्रहण के आधार पर। तो छत्तीसगढ़ में 5 नदियों के जल ग्रहण क्षेत्र हैं। आपको बिल्कुल पता होना चाहिए पहले से आखिरी का क्रम या आखिरी से पहले का क्रम। तो सबसे छोटा जो अपवाह क्षेत्र है वो है नर्मदा। क्या नर्मदा यहाँ पर दिया हुआ है? नहीं है। फिर हम बात करें दूसरा जो उससे अगला बड़ा है वो है ब्राह्मणी। ब्राह्मणी दिया है? जी हाँ, ब्राह्मणी दिया है। तो जल ग्रहण के आधार पर यदि हमें बढ़ते क्रम में जमाना है तो सबसे पहले कौन आएगा? ब्राह्मणी। और तीसरा वाला केवल एक ही ऑप्शन में पहले नंबर में है, बाकी में नहीं है। तो बाकी आपको चेक नहीं करना है, सीधा ऑप्शन नंबर सी ही आपका आंसर होगा। समझ में आ रही है चीजें? तो जिन चीजों में आप 100% श्योर है उसमें बाकी ऑप्शन चेक करके प्रेशर नहीं लेना चाहिए। चलिए आगे चलते हैं, अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा लिखा हुआ है कि भाई अर्ध मध्यम कृषक ऐसे कृषक को कहा जाता है जिनके पास, तो अर्ध मध्यम कृषक के पहले हम जान लेते हैं भाई सीमांत कृषक। सीमांत कृषक आपके ऐसे कृषक रहेंगे जिनके पास 1 हेक्टेयर से कम भूमि है, वो कहलाएंगे आपके सीमांत कृषक। अगर लघु कृषक की हम बात करें जिनके पास 1 से 2 हेक्टेयर भूमि है वो क्या कहलाएंगे? लघु कृषक। और जिनके पास 2 से 4 हेक्टेयर भूमि है वो क्या कहलाएंगे? अर्ध मध्यम कृषक। इसीलिए आपका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, ध्यान रहेगा भाई। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, खाद्यान्न फसल के अंतर्गत उत्पादन किए जाने वाला फसल रागी है, ठीक। तो रागी जो है वो रबी फसल है, खरीफ फसल है, जायद है पूछ रहे, तो ये भी वही क्वेश्चन है। आपको अगर पता है तो बाकी ऑप्शन क्यों पढ़ेंगे? रागी है आपका खरीफ फसल, तो सीधा ऑप्शन नंबर बी आपका आंसर है। इजी क्वेश्चन है, इजी और सिंपल क्वेश्चन को हम ज्यादा एक्सप्लेन नहीं करेंगे, आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन में आते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 12 हमें ये कह रहा है कि
छत्तीसगढ़ में पाई जाने वाली मिट्टियों के संबंध में असत्य कथन कौन सा है? असत्य ना, देखिए सत्य और असत्य सुमेलित है और सुमेलित नहीं है और असुमेलित है। क्या होता है हड़बड़ी में हम चीजों को ध्यान से नहीं पढ़ते हैं, तो ये यही ध्यान से पढ़ना जरूरी है ना। निम्न में सत्य असत्य सुमेलित है असुमेलित है सुमेलित नहीं है, वही गड़बड़ होता है। चलिए तो सत्य कथन असत्य कथन आपको बताना है। तो कन्हार मिट्टी की जल धारण क्षमता सर्वाधिक है, कन्हार यानी काली मृदा की जल धारण तो पूरे भारत में सर्वाधिक है, तो यहाँ भी सर्वाधिक है ही, सबसे ज्यादा इसी की होती है, तो ये तो सत्य कथन हो गया। मटासी मिट्टी का विस्तार प्रदेश के मध्यवर्ती भागों में पाया जाता है, धान की फसल के लिए उपयुक्त है। हाँ लाल पीली मृदा है यही, धान के लिए उपयुक्त है। चूना चूंकि ये कड़प्पा शैल समूहों के ऊपर विस्तृत है, ये मृदाएं जो है चूने की इसमें प्रधानता होती है जो धान की फसल के लिए उपयुक्त है, तो ये भी कथन बिल्कुल सही है। पाल कछार मिट्टी में जल धारण क्षमता निम्न होती है, यह एक उपजाऊ मृदा है। तो देखिए कछार वर्ड कहीं भी आया वहां ये समझ जाना है ये नदी के आसपास की मृदा रहेगी, इसीलिए इसे कछारी मृदा कहा जा रहा है। तो नदी के आसपास की मृदा रेतीली होगी, रेतीली मृदा है तो जल धारण क्षमता निम्न होगी, लेकिन जो ये रेतीली मृदा है ये हमारी फल सब्जी के लिए काफी उपजाऊ होती है, तो अतः यह एक उपजाऊ मृदा है, तो ये भी कथन सही है। अगला पढ़ना ही नहीं है, ऑप्शन नंबर डी ही हमारा आंसर है, क्योंकि ऊपर तीनों के सत्य है। कंफ्यूज नहीं होना है पढ़ के कि डोरसा में मिट्टी में कहीं चना और अलसी तो नहीं होने लग गया आजकल, ऐसा पढ़ के कंफ्यूज नहीं होना है, यही डी आपका आंसर है क्योंकि ये असत्य है। चलिए आगे चलते हैं। फिर लिखा हुआ है छत्तीसगढ़ राज्य का जूलॉजिकल नाम, भैया ये फैक्चुअल क्वेश्चन है जो आपको बिल्कुल पता होना चाहिए। छत्तीसगढ़ राज्य के जो राजकीय पशु है वन भैंसा, उसका जूलॉजिकल नाम है क्या आपका? बुबलिस अर्नी, बुबलूस बबलिस ऐसा भी आप पढ़े होंगे, वहां से भी शब्द को लिंक कर सकते हैं। हड़बड़ी में जो बिसिका बाइसन लिखा है इसको टिक नहीं कर देंगे, गलत हो जाएगा आंसर। फिर लिखा है गड़बो नवा छत्तीसगढ़ को राज्य का प्रतीक वाक्य कब बनाया गया? तो गड़बो नवा छत्तीसगढ़ को राज्य का प्रतीक वाक्य 5 जून 2019 को बनाया गया है, ये भी आपका एक फैक्चुअल क्वेश्चन है जो आपको पता होना चाहिए। चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है आपका नया रायपुर का नामकरण अटल नगर कब किया गया है? ठीक है, तो नया रायपुर का नाम अटल नगर अगस्त 2018 में किया गया है, ध्यान रखेंगे अटल नगर आपका अगस्त 2018 में, फैक्चुअल क्वेश्चन है। छत्तीसगढ़ के आधिकारिक राज्य गीत में कुल कितनी नदियों तथा कितने जिलों का उल्लेख हुआ है? भाई अगर छत्तीसगढ़ का राज्य गीत का आपको शुरू की पंक्ति ही याद है तो नदियां तो वहीं मिल जाएंगी। अरपा पैरी के धार, महानदी है अपार, इंद्रावती है, ठीक है, मतलब चार नदियों के नाम तो आपको वहीं मिल जाएंगे। तो चार नदियों के आपके दो ऑप्शन दिए गए हैं, आपको साफ साफ याद रखना है कि छत्तीसगढ़ के राजकीय गीत में चार नदियां और कितने जिले हैं? 7 जिले हैं, 8 जिले नहीं है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 17 में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 है भाई हमारा कूट मिलाने वाला, जोड़ी बनाने वाला क्वेश्चन है, इसको मैं एक स्क्रीन में ले आता हूं आपके लिए। इस पीडीएफ का इंग्लिश, इस पूरे क्वेश्चन सेट का इंग्लिश पीडीएफ भी अवेलेबल है, आप चंद्रा एकेडमी के टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप ग्रुप से उसे जरूर ले सकते हैं। चंद्रा एकेडमी के टेलीग्राम ग्रुप से जरूर जुड़िए, जहां आपको नए नोटिफिकेशन और टेस्ट सीरीज से संबंधित सारी डिटेल भी आपको मिलेगी। साथ ही चंद्रा एकेडमी का ऑफलाइन और ऑनलाइन टेस्ट सीरीज और चंद्रा एकेडमी की ऑफलाइन और ऑनलाइन सभी कक्षाएं संचालित है, उसकी अधिक जानकारी के लिए आप संपर्क कर सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं क्या लिखा हुआ है यहाँ पर। छत्तीसगढ़ सूची मिलाना है आपको, छत्तीसगढ़ में जो संस्था है और स्थापना का वर्ष है। देखिए जोड़ी बनाओ के क्वेश्चन को जब भी बनाना रहे तो पहले आप इसे मत पढ़िए, मेरी एक सलाह है पहले आप ऑप्शन को पढ़िए। ऑप्शन को पढ़ने से क्या होता है, जब भी आप ऑप्शन पढ़ेंगे तो देखेंगे ये जो ए वाला है, ये ए वाला में 4 भी है 3 भी है 2 भी है 1 भी है, यानी अगर ये ए वाला एग्जैक्ट आपको पता है छत्तीसगढ़ राज्य संघर्ष मोर्चा, तो बाकी पढ़ने की आवश्यकता नहीं। बात समझ में आ रही है क्या? ऐसा और बाकी ऑप्शन है, यहाँ 3 ठो 4 है, यहाँ 2 2 है और 2 3 है, यहाँ 3 ठो 1 है, हो सकता है यहाँ पर कंफ्यूजन होगा। अगर आपको पता है छत्तीसगढ़ राज्य संघर्ष मोर्चा, छत्तीसगढ़ राज्य संघर्ष मोर्चा की स्थापना कब हुई है 1998, अगर आपको पता है तो केवल इस एक लाइन से ही आपका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए। कुछ डाउट है तो दूसरा वाला चेक कर सकते हैं। छत्तीसगढ़ भ्रातृत्व संघ, छत्तीसगढ़ भ्रातृत्व संघ का गठन कब किया गया है?
1967 छत्तीसगढ़ शोषण विरोधी मंच का कब किया गया है? 1946 ठाकुर प्यारे लाल सिंह, ये छत्तीसगढ़ की राज्य के गठन के जो स्टेप्स आप पढ़े होंगे उसमें ये होगा। उसके बाद छत्तीसगढ़ महासभा का गठन कब किया गया है? 1956। तो जोड़ी बनाव वाले क्वेश्चन जब भी बनाएंगे कोशिश करेंगे पहले ऑप्शन देखें, ऐसा ही ऑप्शन समझ में आ रहा है ना, ये ए में ये जो चीजें दी गई है ये ए में सभी अलग है। अगर ए आपको 100% पता है तो बाकी चेक करने या जबरदस्ती पढ़ के कंफ्यूज होने की आवश्यकता नहीं है। थोड़ा ऐसा अप्रोच को फॉलो करिए, देखिए मददगार सिद्ध होता है या नहीं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 18 इस तरफ देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 हमसे क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 18 हमसे ये कह रहा है कि अलबाका की पर्वत श्रेणियां निम्न में से कौन सी बेसिन में है? तो जो भाई अलबाका की पर्वत श्रेणियां है, अलबाका बीजापुर जिले में है। एग्जैक्ट अगर हम देखें, अब बीजापुर जिला कहाँ है ये आपको सोचना है। तो कोटरी महानदी का मैदान ये तो कांकेर है, यहाँ नहीं होगा। गोदावरी सबरी का मैदान जी हाँ हो सकता है, अबूझमाड़ तो नहीं है, जसपुर तो हो ही नहीं सकता। तो ऑप्शन नंबर बी, बीजापुर उच्च भूमि की सबसे ऊंची चोटी है अलबाका, ध्यान रखेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 हमसे कह रहा है कि असत्य कथनों का चयन करें। ठीक, असत्य कथन को चुनिए। छत्तीसगढ़ का अक्षांशी स्थिति असत्य चुनना है ना, सत्य नहीं। छत्तीसगढ़ का अक्षांशी स्थिति 1746 से 24-5 पूर्वी देशांतर। अक्षांशी स्थिति पूर्वी देशांतर में कैसे होगा, इसीलिए ये वाला कथन क्या हो गया आपका, असत्य हो गया। छत्तीसगढ़ का देशांतरी स्थिति 80-15 से 84-24 उत्तरी अक्षांश। देशांतरी स्थिति उत्तरी अक्षांश में नहीं होगा, इसीलिए ये भी कथन क्या हो गया आपका, गलत। छत्तीसगढ़ की देशांतरी लंबाई अक्षांशी लंबाई से कम है। जी हाँ, देशांतरी लंबाई इतनी सी है और अक्षांशी तो इतनी लंबी है, तो इसीलिए ये वाला कथन सही है। हमारा उत्तर क्या होगा, केवल कथन नंबर जो 3 है, असत्य कथन को चुनिए, सॉरी असत्य कथन को चुनिएंगे तो हमारा यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा, असत्य कथन है केवल 1 और 2, सत्य कथन है केवल 3, असत्य कथन है हमारा 1 और 2। ठीक है, ध्यान रखेंगे। देखिए हड़बड़ी में मैं भी केवल 3 को पकड़ लिया था, तो असत्य कथन है हमारे केवल 1 और 2। ठीक, चलिए आगे चलते हैं। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20 भी हमसे असत्य कथन पूछ रहा है। निम्न में से असत्य कथन कौन सा है? तो असत्य कथन की हम बात करें, पहला लिखा है मध्य प्रदेश की दक्षिण पूर्वी भाग से पृथक होकर छत्तीसगढ़ बना है। भाई बिल्कुल सही है, छत्तीसगढ़ 8 राज्यों की सीमा से घिरा हुआ है, बिल्कुल गलत है। अब बिल्कुल गलत है, इसको आगे तो पढ़ने का कोई मतलब नहीं है, फिर भी एक बार पढ़ लेंगे। मध्य प्रदेश के साथ छत्तीसगढ़ के 9 जिले सीमा साझा करते हैं। देखिए कुछ विद्यार्थियों को हो सकता है डाउट होगा कि छत्तीसगढ़ 9 जिलों को स्पर्श कर रहा है या 8। बहुत सारे पब्लिकेशन के अकॉर्डिंग 9 जिले हैं, और जैसा कि मैंने पहले भी कहा है कि जब तक एग्जाम में किसी आंसर को आधार न मान लिया जाए तब तक आपको वही लेकर चलना है। अगर किसी एग्जाम में छत्तीसगढ़ में एमपी राज्य 8 जिलों को स्पर्श करता है, अगर ऐसा ले लिया, ऐसा तभी होगा जब वो खैरागढ़ जिला से अपनी सीमा बनाएगा, लेकिन अभी वर्तमान में राजनांदगांव से सीमा बना रहा है, इसीलिए 9 जिले इसके अंतर्गत आएंगे। तो अभी आप 9 ही जिला लेकर के चलिए, उनके लिए जिन्हें कुछ डाउट है, जिन्हें डाउट नहीं है उन्हें तो बहुत अच्छी बात है। छत्तीसगढ़ का सबसे कम अंतरराज्यीय सीमा वाला जिला धमतरी है, बिल्कुल सही, केवल ऑप्शन नंबर बी गलत है, ये आपका आंसर होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 21 में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 हमसे क्या कह रहा है, इसको थोड़ा छोटा कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 21, ठीक है, सुमेलित करना है सैल समूह को और सैल समूह के बाद उधर उसमें मिलने वाले खनिज को। तो भाई देखिए फिर से बोल रहा हूं, ऑप्शन चेक करना, जरूरी नहीं हर बार आपकी किस्मत अच्छी रहे। आप यहाँ पहला ऑप्शन देखेंगे तो 2 भी है 1 भी है 3 भी है 4 भी है, सब अलग है। यहाँ भी 1 2 3 4 है, सब में 1 2 3 4 है, यानी ये सबसे रिस्की वाला है। एग्जैक्ट आपको चारों को देखना रहेगा, तो एग्जैक्ट चारों को देखेंगे तो देखिए आर्कियन सेल समूह का संबंध किससे है, नीच से है, पहले का दूसरा, ए वाले का आएगा दूसरा, ए वाले का दूसरा, केवल कौन सा दिया है, ऑप्शन नंबर ए। और आर्कियन का संबंध नीच से है, इसमें तो आप 100% श्योर रहेंगे, तो मेरे ख्याल से बाकी को आपको देखने की आवश्यकता नहीं है, सीधा ऑप्शन नंबर ए को टिक मार के आप आगे बढ़ सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं।
अगला क्वेश्चन हमें दिया है, अगला क्वेश्चन हमारा लिखा हुआ है, बिजौरा पहाड़ किस पठार का हिस्सा है? तो बिजौरा पहाड़ ये तो फैक्चुअल चीज है, पेंड्रा लोरमी पठार का हिस्सा है, बहुत ज्यादा नहीं सोचना है, ऑप्शन नंबर सी ही आपका आंसर होगा, बिजौरा पहाड़ पेंड्रा लोरमी पठार का हिस्सा है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन लिखा है क्वेश्चन नंबर 23, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 23 हमें क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 23 हमें कह रहा है, निम्न में से उस पड़ोसी राज्य को चुनिए जिसकी सीमा समुद्री तट से लगती है। तो छत्तीसगढ़ के पड़ोसी राज्य को हमें देखना है जिसकी सीमा समुद्र से लगती, सॉरी छत्तीसगढ़ से नहीं, जिसकी सीमा समुद्र से लगती है। तो भाई उड़ीसा भी छत्तीसगढ़ का पड़ोसी राज्य, आंध्र प्रदेश भी, तेलंगाना भी है, पर तेलंगाना हमें पता है भू आवेष्टित राज्य है, इसीलिए इसका आंसर क्या होगा, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश, अर्थात ऑप्शन नंबर ए, एक एवं दो। चलिए आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 24, क्वेश्चन नंबर 24 हमें क्या कह रहा है, ऊपरी महानदी बेसिन को ऊपरी नर्मदा बेसिन से अलग करने वाली श्रेणी, ऊपरी महानदी बेसिन और महानदी बेसिन की हम बात करें और नर्मदा की बात करें, भाई नर्मदा का उद्गम अमरकंटक मैकल से हो रहा है, जो अमरकंटक के या मैकल श्रेणी के कहां पश्चिम दिशा में बह रही है, और महानदी मैकल के इधर पूर्वी क्षेत्र में, महानदी बेसिन यानी उनके बीच का जल विभाजक कौन होगा, मैकल श्रेणी ही होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 25 आते हैं, जुड़ी बनाव वाला फिर से क्वेश्चन है, इसे छोटा कर लेते हैं, जुड़ी बनाव, देखिए जुड़ी बनाव की हम बात करें तो यहाँ पे बहुत सारे हमें ऑप्शन दिए गए हैं, नवीन जिला और स्थापना के क्रम, आपको जुड़ी बनाना है तो देखिए, अब छत्तीसगढ़ की आप तैयारी कर रहे हैं एग्जाम की, तो कुछ नवीन जिलों का क्रम आपको पता ही होना चाहिए, जैसे एक बेसिक फैक्ट तो पता ही होना चाहिए कि सबसे आखिरी जिला जो 33वां जिला बना है वो कौन है, शक्ति है, ये तो सबसे पहले पता ही होना चाहिए। तो अगर मैं शक्ति की बात करूं तो शक्ति कौन सा है, सॉरी 33वां जिला है, शक्ति हमारा अगर 33वां जिला है तो ए का क्या आएगा, फाइव, ए का फाइव वाला ये ऑप्शन है और ये ऑप्शन है, यानी बी और डी तो आपका आंसर कभी नहीं हो सकता, ठीक। उसके बाद आपको पता होना चाहिए कि भाई सबसे पहले जो जिला बना है, मतलब 28 जिलों के बाद, ऐसे ऐसे आप क्रम याद रखिए, इधर बना है मोहिला मानपुर, सबसे पहले मोहिला मानपुर 29वां, इधर बना है सारणगढ़ बिलईगढ़ 30वां, ठीक। फिर इसके ऊपर आ जाना है खैरागढ़ छुई खदान गंडई बना है 31वां, फिर उसके ऊपर बना है आपका मनेन्द्रगढ़ चिरमिरी भरतपुर 32वां, ऐसे आप क्रम याद रख सकते। तो इस प्रकार यदि आप टिक मारेंगे तो भाई आपका जो मोहिला मानपुर रहेगा 29वां, यानी डी का कौन सा हो जाएगा पहला, और डी का पहला यानी केवल यही है, यानी ऑप्शन नंबर ए। सभी को मैच करने से क्या है, देखिए जोड़ी बनाओ में जब चीजों में आप सबको मैच करते हैं ना, थोड़ा सा समय लगता है क्योंकि एग्जाम में प्रेशर होता है, वहां हमें कंफ्यूजन क्रिएट होता है जिसके कारण ऐसा लगता है कि भाई हमसे गलती ना हो, तो समय वेस्ट नहीं करेंगे भाई, आप सीधी सी बात है दो ऑप्शन पहले काट दिए, इसको पकड़ लिए, ये तीसरा होगा नहीं, यानी ऑप्शन नंबर ए ही आपका 100% सही आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 26 में आते हैं, चमर ढाल किस बेसिन का हिस्सा है? भाई रायगढ़ बेसिन का हिस्सा है, फैक्चुअल क्वेश्चन है, हसदो मांड बेसिन के अंतर्गत आता है आपका चमर ढाल, और हसदो मांड बेसिन का जो क्षेत्र है वो किस बेसिन में आएगा, रायगढ़ बेसिन, ठीक है। चलिए फिर सूची एक और सूची दो को सुमेलित कीजिए, ठीक, सूची एक और सूची दो को सुमेलित करना है, क्वेश्चन नंबर 27, इसमें क्या लिखा हुआ है, नदी है और उसका उद्गम है, अगर इधर इसका ऑप्शन आगे चला गया है तो मैं आपको यही बता देता हूँ, ठीक है, ऑप्शन से भी इसे मैच कर सकते हैं। दूध नदी की हम बात करें तो दूध नदी का उद्गम कहाँ से होगा, मलाज कुंडम की पहाड़ी से होगा। शिवनाथ नदी की बात करें तो इसका उद्गम कहाँ से होगा, कोलगुल पठार से होगा, ठीक। लात नदी की बात करें तो कहाँ से होगा, रदन की पहाड़ी, और सूखा नदी की बात करें तो कहाँ से होगा, गौरागढ़ की पहाड़ी। इसे भी आप बिल्कुल ऑप्शन से देखिएगा, ऑप्शन से जल्दी बनाने का प्रयास कीजिएगा, क्योंकि अब ऑप्शन उस तरफ है इसीलिए मैं आपको सीधा यही बता दे रहा हूँ, बेसिक है, सरल सरल है, बहुत ऐसा उद्गम नहीं है जिसके लिए बहुत डीप स्टडी की आवश्यकता हो। चलिए अगले क्वेश्चन में आते हैं, क्वेश्चन नंबर 28, क्वेश्चन नंबर 28 लिखा है, आपको छत्तीसगढ़ के नदियों के तटों में प्राकृतिक रूप से सोना खोजने को कहा जाए तो आप किन नदियों का भ्रमण नहीं करेंगे? छत्तीसगढ़ की वे मुख्य नदियां जहां सोना मिल रहा है वो है भैया आपका ईब नदी, उसकी सहायक मैनी नदी, सबरी नदी, आमनेर नदी। ऑप्शन देखेंगे, ईब नदी है, सबरी नदी, मैनी नदी है, केलो नदी,
सोना नहीं है, कोयले के लिए प्रसिद्ध है, इसीलिए डी क्या आ जाएगा आपका आंसर, केलो नदी। सोना ढूंढना है तो केलो नदी नहीं जाना है, बाकी नदी जाना है। चलिए यहां पर आते हैं, पहाड़ियां और उसके अकॉर्डिंग जो जिला है उसे सुमेलित करना है। ठीक है, पहाड़ियों और जिले को सुमेलित करना है। ठीक, अब बैला डीला की पहाड़ी, देखिए यहां भी आप ऑप्शन देखेंगे तो ये ऑप्शन आपका 1 2 3 4 है, समझिए इस चीजों को। यहां 2 ठो 3 है, यहां 2 ठो 1 है, और ये वाला भी 1 2 3 4 है, यानी आप सीधा इसे पकड़िए और इसे पकड़िए, ए वाले और डी वाले को पकड़िए, बाकी दोनों को मत पकड़िए। ए बैला डीला, बैला डीला कहाँ है, दंतेवाड़ा, पहले का तीसरा 100% यही आंसर है। अब बैला डीला दंतेवाड़ा तो आप श्योर ही है ना, और अगर हल्का सा डाउट हो तो इसे पकड़ लेना है। अगर आप बात कर रहे हैं माइकल, माइकल कहाँ है आपका, राजनंदगांव, यानी डी का दूसरा, डी का दूसरा, 100% सी ही आपका आंसर है, बाकी भी आप चेक कर सकते हैं। चलिए आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 हमसे क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 30 हमसे ये कह रहा है कि सरगुजा बेसिन के संदर्भ में सत्य कथन क्या है, यह रिहंद नदी द्वारा निर्मित है। हाँ, सरगुजा बेसिन रिहंद और उसकी सहायक नदियों द्वारा निर्मित है, बिल्कुल सही है। यह देवगढ़ तथा मैनपाट छुरी पहाड़ियों से घिरा हुआ है। जी हाँ, इस तरफ आपका देवगढ़ है, पश्चिम दिशा की बात करें, और इधर नीचे दक्षिण दक्षिण पूर्व में छुरी और मैनपाट ये सब पहाड़ियां हैं। ठीक, बिल्कुल सही है। चिरवेन पहाड़ी इस क्षेत्र में स्थित पर्यटन स्थल है। जी हाँ, बिल्कुल सही है। इस प्रकार उपरोक्त सभी कथन हमारे सही। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। छत्तीसगढ़ के नदियों के निम्न समूह में से लंबाई के अनुसार किस समूह में नदियों का अवरोही क्रम है, यानी घटता क्रम, डिक्रीजिंग ऑर्डर में आपको बताना है। तो भाई सबसे लंबी नदी छत्तीसगढ़ की शिवनाथ नदी, और शिवनाथ नदी हमारे एक ही ऑप्शन में दिया है, तो पूरा चांस है कि यही सही आंसर है, लेकिन इसको थोड़ा सा एक बार पढ़ लेना है। भाई यहाँ शिवनाथ बाद में दे दिया है, नहीं होगा, शिवनाथ बाद में दे दिया है, नहीं होगा, तो एक बार इसे पढ़ लेंगे। शिवनाथ है, उसके बाद इंद्रावती है, मांड है, रिहंद है। जी हाँ, लंबाई के अनुसार बिल्कुल सही क्रम है, इसीलिए ऑप्शन नंबर ए। चलिए आगे चलते हैं, इसके बाद आते हैं भाई क्वेश्चन नंबर 32। क्वेश्चन नंबर 32 थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 32, क्वेश्चन नंबर 32 क्या कह रहा है, आपको सुमेलित करना है सिंचाई परियोजना और नदी। तो फिर से मैं बोल रहा हूं, ऑप्शन को आप देखेंगे, ऑप्शन आप देखेंगे, अगर सब अलग वाला मिल जाए तो पहले उसे देखना है, लेकिन इसमें नहीं है। इसमें आपका 1 2 3 3 है, 2 ठो 1 है, 2 ठो 3, 2 ठो 2 है, और 3 ठो 4 है, तो इस प्रकार से यहां पर दिखाई दे रहा है। तो आप जिसको भी देखना चाहें आप देख सकते हैं। जैसे मैं सजेस्ट करूंगा यहाँ 1 2 3 3 आपको दिख रहा है, तो चलो इसी को ही देखना शुरू करते हैं। संजय गांधी, संजय गांधी 1920 कौन सी नदी पर है, खारंग नदी पर है। पहले का क्या आएगा, तीसरा, पहले का तीसरा ये वाला है, ये वाला है, यानी ऑप्शन ए और बी तो आपका आंसर कतई नहीं हो सकता। फिर दूसरा पढ़ेंगे, राजीव गांधी परियोजना 1930 किस नदी पर है, मनियारी, यानी बी का क्या है, चौथा, बी का चौथा, बाकी को चेक करने की आवश्यकता नहीं है, और यदि चेक करना भी चाहे तो कर सकते हैं। दुधावा परियोजना किस पे है, महानदी, सी का क्या आएगा, तीसरा, सॉरी सी का क्या आएगा, दूसरा, बिल्कुल सही, और सी का सार पैरी, यानी ऑप्शन नंबर डी आपका आंसर है। जोड़ी बनाओ में मैक्सिमम केसेस में सारे चेक करने की आवश्यकता नहीं होती है, ये अप्रोच थोड़ा प्रयास करेंगे फॉलो करने का। चलिए आगे चलते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा कथन छत्तीसगढ़ राज्य निर्माण के संदर्भ में, छत्तीसगढ़ राज्य निर्माण प्रक्रिया से संबंधित नहीं है। ठीक है, तो छत्तीसगढ़ राज्य का निर्माण मध्य प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम 2000 से हुआ, ये बिल्कुल सही। मध्य प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम को मध्य प्रदेश विधानसभा ने 15 जुलाई 2000 को पारित किया, ये वाला कथन हमारा गलत है। अगर आप 100% श्योर हैं तो बाकी चेक करने की आवश्यकता नहीं है। नहीं तो भाई मध्य प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम 9 अगस्त को राज्यसभा में पारित किया गया, बिल्कुल सही है। मध्य प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम लोकसभा में 31 जुलाई को पारित किया गया, बिल्कुल सही है। भाई ये वाले सारे कथन हमारे सही है, केवल ऑप्शन नंबर बी जो है वो गलत है। ठीक है, बेसिक क्वेश्चन है। दंडकारण्य के क्षेत्र में, दंडकारण्य के क्षेत्र के संबंध में असत्य कथन है, दंडकारण्य के क्षेत्र के संबंध में असत्य कथन क्या लिखा हुआ है यहां पर, रावा घाट बैला डीला की पहाड़ी के उत्तर में स्थित है, बिल्कुल सही कथन है।
अबू जमाड़ की पहाड़ी के पूर्वी क्षेत्र में केशकाल अवस्थित है, ये सही नहीं लग रहा है। बस्तर का मैदान बैला डीला की पहाड़ी के दक्षिण पूर्व में स्थित है, भाई ये सही है, सॉरी ये सही है सेकंड वाला। अबू जमाड़ की पहाड़ी के पूर्वी क्षेत्र में केशकाल घाटी अवस्थित है, पूर्वी क्षेत्र, मैं थोड़ा उसे पश्चिमी समझ गया, तो अबू जमाड़ की पहाड़ी के पूर्वी क्षेत्र में केशकाल अवस्थित है, बिल्कुल सही है ये। बस्तर का मैदान, बस्तर का मैदान नहीं है, बस्तर का क्या है भाई, पठार है, यही शब्द गलत है, 100% चांस यही गलत होगा, फिर भी एक चौथा पढ़ लेंगे। विनता घाटी के दक्षिण पूर्व से सबरी नदी प्रवाहित होती है, विनता घाटी के दक्षिण पूर्व से सबरी नदी प्रवाहित होती है, जी हाँ ये वाला कथन हमारा सही है, तो इसमें केवल एक ही गलत है, कौन सा, बस्तर का मैदान बैला डीला की पहाड़ी के दक्षिण पूर्व में अवस्थित है, ठीक, ऑप्शन नंबर सी। चलिए क्वेश्चन नंबर 35 देखते हैं। 35 क्या लिखा हुआ है, छत्तीस क्षेत्रीय आधार पर छत्तीसगढ़ के सर्वोच्च भागों को सुमेलित कीजिए। अब इसका ऑप्शन भी आगे चला गया है, ठीक, छत्तीसगढ़ के सर्वोच्च भागों को हमें सुमेलित करना है। क्या लिखा हुआ है हमारा, उत्तरी छत्तीसगढ़, उत्तरी छत्तीसगढ़ का क्या है, सामरी पार्ट, बिल्कुल सही। दक्षिणी छत्तीसगढ़, दक्षिणी छत्तीसगढ़ का बैला डीला नंदीराज, बिल्कुल सही। पूर्वी छत्तीसगढ़ का क्या है, बड़े पाट डोंगर, बिल्कुल सही। और पश्चिमी छत्तीसगढ़ का बदरगढ़, बिल्कुल सही। ये तो सारा आजू बाजू दिया गया, जैसा ऑप्शन में दिया आप उसे टिक मारेंगे। चलिए आगे चलते हैं, बेसिक क्वेश्चन था ये। अब इसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 36, ठीक है। चलिए देखते हैं क्या लिखा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 36 कह रहा है, निर्माण की विभिन्न अवस्थाओं में जशपुर कुसमी पाट पाट कब कहलाया, ठीक है। पाट बेसिकली पठारी क्षेत्री है, छत्तीसगढ़ में इसे पाट कहा जाता है। तो देखिए क्रम सिंपल तौर पे याद रखिए, सबसे पहले छत्तीसगढ़ में शैल समूहों का निर्माण हुआ है, वो पहला क्रम है, ठीक। उसके बाद क्या हुआ है, नदियों के द्वारा उन शैलों का अपरदन किया गया है, उसे काटा गया है और विभिन्न अलग अलग क्षेत्र में विभाजित किया गया, ये दूसरा क्रम है। उसके बाद जो विभिन्न अलग अलग क्षेत्र हैं, कुछ ऊंचे और उभरे क्षेत्र रह गए, जिन्हें पठारी क्षेत्र और छत्तीसगढ़ की स्थानीय भाषा में पाट क्षेत्र कहा गया, तो वो आपका तीसरा क्रम हो गया, जो ऊंचे उभरे हुए भूभाग है उन्हें क्या कह दिया गया, पाट क्षेत्र। और चौथा क्रम, नदियों के द्वारा अपरदन अभी भी जारी है, ये कौन सा है आपका, चौथा क्रम। तो छत्तीसगढ़ के निर्माण की प्रक्रिया में चार क्रम, जो कि छत्तीसगढ़ राज्य ग्रंथ अकेडमी एक ऑथेंटिक बुक में लिखा हुआ है, इसीलिए वही क्रम आपको याद रखना चाहिए। पहला क्रम क्या है, छत्तीसगढ़ राज्य के शैलों का निर्माण, दूसरा नदियों के द्वारा जो अपरदन किया गया, विभिन्न घाटियों का निर्माण करके अलग अलग भूभाग में विभाजित किया गया है, वो दूसरा क्रम है। उसमें कुछ भाग भूभाग जो ऊपर ऊंचे उठे हुए हैं, उन्हें ही छत्तीसगढ़ में पठारी क्षेत्र को पाट कहा जा रहा है, तो तीसरा क्रम, यानी कौन सी अवस्था है ये, तृतीय अवस्था है, ध्यान रखेंगे। 37वां, छत्तीसगढ़ में दैनिक तापांतर किस महीने में सर्वाधिक होता है, तो भैया मार्च में सर्वाधिक होता है, ठंड गई रहती है, गर्मी आई रहती है, दिन के फटे हाल गर्मी पड़ती है और रात के बहुत ठंडी पड़ती है, ऐसा नहीं है, पर तापांतर इस समय सर्वाधिक होता है। चलिए आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 38। निम्न कथनों को पढ़िए और उपयुक्त में से सही कथन का चयन कीजिए, ठीक है। क्या लिखा हुआ है, उत्तरी छत्तीसगढ़ में बघेल खंड पठार के पूर्व, उत्तरी छत्तीसगढ़ में बघेल खंड के पठार का पूर्वी भाग स्थित है, जी हाँ बिल्कुल सही है। बघेल खंड पठार दो भागों में, पूर्वी छत्तीसगढ़ में और उसके अलावा पश्चिमी या बघेल खंड का है मध्य प्रदेश में। दक्षिणी छत्तीसगढ़ दंडकारण्य पठार के नाम से जाना जाता है, बहुत बेसिक लाइन है, बिल्कुल सही है। छत्तीसगढ़ का मध्य भाग छोटा नागपुर पठार से घिरा है, ये तो बिल्कुल गलत है, छत्तीसगढ़ के उत्तर पूर्वी क्षेत्र में आपका रहेगा छोटा नागपुर पठार, ठीक। तो सही कथन का हमें चयन करना है, तो केवल पहला और दूसरा। चलिए आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 39, क्वेश्चन नंबर 39 और 40 देखते हैं एक साथ। क्वेश्चन नंबर 39, छत्तीसगढ़ के मैदान का ढाल किस दिशा में है, तो भाई छत्तीसगढ़ के मैदान का ढाल बहुत बेसिक क्वेश्चन है, किस दिशा में है, पूर्वी दिशा में। छत्तीसगढ़ मैदान की मुख्य नदी महानदी है, मुख्य नदी की ढाल जिस दिशा में रहेगी उसी दिशा में पूरे क्षेत्र की ढाल रहेगी, तो पूर्व। छत्तीसगढ़ महासभा के गठन के संबंध में असत्य कथन को चुनिए,
दिनांक 28 जनवरी को गठन हुआ, बिल्कुल सही है भाई। अध्यक्ष खूबचंद बघेल, बिल्कुल सही है। महासचिव दशरथ चौबे, बिल्कुल सही है। लेकिन अगर हम संयुक्त सचिव द्वारिका प्रसाद की बात करें तो इनका संबंध भ्रातृत्व संघ से था, न कि छत्तीसगढ़ महासभा से। इसीलिए ऑप्शन नंबर डी जो असत्य है वही हमारा आंसर। चलिए आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 41। ठीक है भाई, देखिए 100 क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन है, इसीलिए थोड़ा अब 10-10 क्वेश्चन यदि हम एक्सप्लेन करें एक वीडियो में तो हम उसे आधे एक घंटे तक एक एक ऑप्शन को भी समझा सकते हैं, लेकिन हमें एक रिवीजन के तौर पे इसे देखना है, और बहुत जो सिंपल फैक्ट है उसे बहुत डीप में हमें नहीं देखना है, इसीलिए थोड़ा सा हम इसे स्पीड से देख रहे हैं। इससे क्या है, आपका भी समय बचेगा और हम ज्यादा से ज्यादा टेस्ट के और ज्यादा से ज्यादा विषयों के प्रश्नों को कवर कर सकेंगे। चलिए आगे चलते हैं, क्या लिखा हुआ है, निम्न में से कौन सा जोड़ा छत्तीसगढ़ के मिट्टियों का प्रकार एवं उसका गुण सुमेलित है। ठीक है, तो कौन सा सुमेलित है आपको बताना है। डोरसा लाल रंग की बलुआ मृदा नहीं होती, कन्हार जो है वो पहाड़ी मृदा नहीं होती, पत्थर युक्त तो होती नहीं है, मटासी चिकनी काली नहीं होती, बचा भाटा वाला ही आपका आंसर होगा। मुरुम युक्त मृदा होती है जिसमें छोटे छोटे पत्थर होते हैं। ठीक, बखोना चोटी, बखोना चोटी कहाँ है भैया, बखोना चोटी बहुत सिंपल क्वेश्चन है, फैक्चुअल क्वेश्चन है, इसमें आपको सोचने की जरूरत नहीं है, कहाँ है, जशपुर। ऐसे बोनस क्वेश्चन एग्जाम में आया करे, बिल्कुल दुआ करिए ऐसा, ऐसे बोनस क्वेश्चन आएंगे जो आपको मोटिवेट करेंगे। चलिए अब फिर से आते हैं यहां पर, जोड़ी बनाओ। ठीक है, यहां पर लिखा हुआ है आपका प्रयोगकर्ता, यानी छत्तीसगढ़ शब्द का प्रयोग का क्रम आपको बताना है। तो छत्तीसगढ़ शब्द का प्रयोग इन्होंने किया है, बाबू रेवा राम ने, दलपत राम राव ने, जेपी ब्लंट ने, गोपाल मिश्र ने, और कब किया है। ठीक, तो देखिए अगर इसमें आप अच्छे से श्योर हैं तो छत्तीसगढ़ शब्द का पहला उल्लेख खैरागढ़ रियासत के राजा लक्ष्मी निधि राय के दरबारी कवि दलपत राम राव की रचना में मिलता। ठीक है, दलपत राम राव की जो रचना थी, दलपत राम राव की रचना लक्ष्मी निधि राय सुनो चित दे गढ़ छत्तीस में न गढ़िया रही, इसमें सबसे पहले छत्तीसगढ़ शब्द का उल्लेख मिलता है। और सबसे पहला उल्लेख जो मिलता है वो है 1487 में, सबसे पहला छत्तीसगढ़ शब्द का उल्लेख मिलेगा 1487, अर्थात कौन सी शताब्दी, 15वीं शताब्दी। तो दलपत राम राव, बी का क्या आ जाएगा आपका, एक आ जाएगा। बी का एक आप देखोगे तो दो ऑप्शन है, यानी ए और बी तो आपका आंसर नहीं हो सकता। ठीक, उसके बाद यदि हम बात करें छत्तीसगढ़ शब्द का जो अगला उल्लेख मिलता है वो गोपाल मिश्र 1689 गोपाल मिश्र की रचना खूब तमाशा में छत्तीसगढ़ शब्द का उल्लेख मिलता है। 1689 यानी कौन सी शताब्दी, 17वीं शताब्दी, यानी डी का क्या आ जाएगा, दूसरा। तो डी का दूसरा ये भी हमारे दोनों में दिया गया है, चलो सही जा रहे हैं, यानी बाकी भी हमको चेक करना पड़ेगा। ठीक, उसके बाद हम बाबू रेवा राम की बात करें तो बाबू रेवा राम 1896, बाबू रेवा राम की रचना विक्रम विलास 1896, मतलब कौन सी शताब्दी, 19वीं शताब्दी। तो बाबू रेवा राम की रचना विक्रम विलास में छत्तीसगढ़ शब्द का उल्लेख मिलता है। तो ए का क्या आ जाएगा, चौथा, और ए का चौथा दिया है केवल ऑप्शन नंबर एक, इसीलिए यही आपका आंसर हो। ठीक, अब देखिए चूंकि थोड़ा सा डिटेल मुझे एक्सप्लेन करना था इस क्वेश्चन में, इसीलिए मैं आपको डिटेल बताया, लेकिन यदि आप केवल चेक करते ऑप्शन नंबर ए, जो अप्रोच मैं आपको शुरू से बता रहा था, केवल ए को चेक करते तो 1 2 3 4 इसमें दिया है, इसमें 2 ठो 1 है, इसमें 2 ठो 3 है, इसमें 2 ठो 2 है। अगर आप केवल इसे ही चेक करते, बाबू रेवा राम कौन सी शताब्दी, 19वीं शताब्दी, पहले का चौथा, सीधा यहीं से आपको आंसर मिल जाता। तो जोड़ी बनाओ, इसी अप्रोच से बनाने का प्रयास करेंगे। चलिए आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 44। क्वेश्चन नंबर 44 हमसे क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 44 ये कह रहा है कि संस्कृत साहित्य में हिरण्यबाहु किस नदी को कहा गया है। संस्कृत साहित्य में हिरण्यबाहु, याद रखना है आपको कौन सी नदी को कहा गया है, सोन नदी को कहा गया है, इसीलिए ऑप्शन नंबर ए आपका आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 45, छत्तीसगढ़ के संबंध में असत्य कथन है, छत्तीसगढ़ के संबंध में असत्य कथन कौन सा है। तो देखिए यहां पर लिखा हुआ है 2 नवंबर 1861 को मध्य प्रांत में शामिल हुआ, 2 नवंबर 1861 को मध्य प्रांत में शामिल हुआ, जी हाँ सत्य कथन है ये।
1861 में संभाग बना, नहीं 1862 में संभाग बना, इसीलिए दूसरा वाला क्या हो गया, असत्य हो गया। 1861 में पहली बार तीन जिला बना, बिलासपुर, रायपुर, संबलपुर, तीन जिला जो बना था पहली बार, जी हाँ यही बना, तो ये वाला भी सत्य है। 1 नवंबर 2000 को बंगाल प्रांत से अलग, अरे बंगाल से नहीं अलग हुआ, 1 नवंबर 2000 को मध्य प्रदेश से अलग हुआ। हमें कौन से कथन का चयन करना है, सत्य अर्थात पहला और तीसरा, यानी ऑप्शन नंबर क्या होगा, पी। ठीक, चलिए आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या लिखा हुआ है। दंडकारण पठार के उप विभागों में सम्मिलित है विनता घाटी, है दंडकारण के पठार में विनता घाटी ही बस्तर का कश्मीर कहलाता है। दरवा घाटी, जी हाँ बस्तर जिले के अंतर्गत रहेगा आपका दरवा घाटी। मतला घाटी, जी हाँ केशकाल घाटी का हिस्सा रहेगा आपका मतला घाटी, यानी उपर्युक्त सभी ही आपका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 47, छत्तीसगढ़ में 1 जनवरी 2012 को छत्तीसगढ़ राज्य जिला पुनर्गठन आयोग के सिफारिश पर कितने जिले बने। बहुत बेसिक फैक्ट है, 9 जिले बने, इस पे बहुत ज्यादा चर्चा करने का औचित्य नहीं है, सरल क्वेश्चन है। चलिए, प्रदेश की मिट्टी की गुणवत्ता परीक्षण के लिए प्रदेश में कितनी प्रयोगशाला की स्थापना की जा चुकी है। भाई इकोनॉमिक सर्वे से संबंधित फैक्ट है जिसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी 111, इसे याद रखेंगे। चलिए आगे चलते हैं, किस सेल समूह का उद्भव प्रोटोजोइक इरा में हुआ है। ठीक है, तो इसका आंसर होगा आपका धारवाड़। धारवाड़ सेल समूह का जो उद्भव है प्रोटोजोइक इरा में हुआ है। देखिए छत्तीसगढ़ के संदर्भ में जो जियोग्राफिकल की जो हिस्ट्री टाइमलाइन है, इससे बहुत क्वेश्चन बनते हैं डीप में, ऐसा नहीं है, लेकिन कुछ ऐसे एक दो शब्द आपको याद रखने हैं। तो याद रखना है कि किस सेल समूह का उद्भव प्रोटोजोइक इरा में हुआ है, तो किसका हुआ है, धारवाड़, ऑप्शन नंबर सी। प्रदेश में सूकर विकास हेतु स्थापित प्रजनन केंद्रों में परचम पाल भी सम्मिलित है, यह किस जिले में है। तो परचम पाल कहाँ है भाई, बस्तर में है। अब जो बस्तर के रहने वाले हो तो जानेंगे ही, बाकी ये भी इकोनॉमिक सर्वे का एक फैक्ट है, एक लाइन है, इसे आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 51, केंद्रीय भू जल बोर्ड की 2017 की रिपोर्ट के अनुसार प्रदेश के 146 विकास खंडों में से कितने विकास खंड को भू जल की दृष्टि से सुरक्षित श्रेणी में रखा गया है। यह भी इकोनॉमिक सर्वे का एक फैक्ट है जिसे आपको याद रखना है, इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी 122। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 52 हमसे क्या कह रहा है, होम गार्डन योजना, होम हर्बल गार्डन योजना के तहत रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाए जाने वाले औषधियों का वितरण प्रदेश सरकार द्वारा किया जा रहा है। इसके तहत वितरित औषधीय पौधे एलोवेरा भी है, अश्वगंधा भी है, स्टीविया भी है, गिलोय भी है और अड़ूसा भी है, सभी, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 53। भाई योजना और डेटा वाली चीजें फैक्चुअल चीजें हैं, ये आपको बिल्कुल याद करना ही पड़ेगा, रटना ही पड़ेगा और उसी आधार पर आप ऑप्शन टिक करेंगे। फिर यहाँ लिखा हुआ है, छत्तीसगढ़ राज्य औषधि पादप बोर्ड के मुख्य दायित्व हैं औषधि वनस्पतियों के संरक्षण संवर्धन एवं विनाश विहीन विदोहन हेतु नीति तथा योजनाएं बनाना, बिल्कुल सही है। औषधि पौधों की पहचान करना, बिल्कुल सही है, पहचान करेंगे तब तो ये काम करेंगे। वन औषधि के विकास हेतु शोध करना रिसर्च करना भी जरूरी है, बिल्कुल सही है। जनजाति एवं स्थानीय परंपरागत उपचारकर्ताओं की पहचान करना, ये भी बिल्कुल सही है, इसीलिए इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी 1, 2, 3, 4, सभी कथन हमारे सही। एक फिर लिखा हुआ है, छत्तीसगढ़ राज्य में वर्तमान में कार्यरत कृषि उपज उप मंडियों की संख्या, तो याद रखना है कृषि उपज उप मंडियों की संख्या 118 है और कृषि उपज मंडियों की संख्या 69 है, दोनों हमारे ऑप्शन में दिया, कंफ्यूज नहीं होना है, उप मंडी 118, मंडी 69, सब इंस्पेक्टर की प्रारंभिक परीक्षा का भी यही क्वेश्चन रहा था सेम। चलिए आगे चलते हैं, ऐसे क्षेत्र जहां वर्षा 1300 से 1400 मिलीमीटर की होती है, तो याद रखना है 1300 से 1400 मिलीमीटर की वर्षा होती है आपके मध्यम क्षेत्र में होती है 1300 से 1400, निम्न क्षेत्र में होती है आपकी 1300 से कम,
अधिक वर्षा का क्षेत्र रहता है आपका 1400 से 1500 मिलीमीटर, और 1500 से अधिक वर्षा का क्षेत्र रहेगा आपका अधिकतम वर्षा का क्षेत्र, ध्यान रहेगा। चलिए ये भी क्वेश्चन देख लेते हैं, निम्न में से किसे कड़प्पा शैल समूह का आधारी संस्तर माना जाता है? तो बलुआ, चूना पत्थर मिल रहा है, सीधा बलुआ को वहां पर टिक करेंगे, ठीक। चलिए आगे चलते हैं, क्या कह रहा है 57, क्वेश्चन नंबर 57। उस पाट प्रदेश का चयन करें जहां ग्रेनाइट शैल समूह की प्रधानता है, जिसे नीच पाट के नाम से जाना जाता है। यही एक शब्द उत्तर देने के लिए पर्याप्त है। नीच पाट किसे कहते हैं? जशपुर। ऊंच पाट क्या कहलाता है? सामरी पाट, ठीक। तो यहीं से आप सीधा आंसर लगा सकते हैं, क्या होगा आंसर? जशपुर। चलिए आगे चलते हैं, और यहां पर क्या लिखा हुआ है, छत्तीसगढ़ राज्य में महाराष्ट्र की सीमा बनाने वाली नदी जिसका विसर्जन वेन गंगा में होता है, वो इकलौती नदी है, कौन सी नदी? बाग नदी। बहुत बेसिक क्वेश्चन है, चलिए आगे चलते हैं। कन्हार नदी की सहायक नदियों को दक्षिण के क्रम में जमाइए। कन्हार नदी की सहायक नदियों को दक्षिण के क्रम में जमाना है, तो देखिए सबसे पहले आएगा चनान, फिर पैजन, फिर आपका सिंदूर, फिर क्या आएगा? गलफुला। यानी 3, 1, 2, 4, 3, 1, 2, 4 ऑप्शन नंबर बी ही आपका आंसर होगा। नदियों में उत्तर दक्षिण क्रम आता है, उसे याद रखने के लिए सबसे सटीक तरीका यही रहता है कि आप मैप बनाकर चीजों को ज्यादा से ज्यादा याद रखें, तो आपको अच्छे से याद रहेगा। हाल ही में चर्चित चिंगरा पगार जलप्रपात किस जिले में? गरियाबंद में है। गरियाबंद किसी भी ऑप्शन में नहीं दिया है, इसीलिए आंसर क्या होगा? इनमें से कोई नहीं। चलिए आगे चलते हैं, निम्न में से उस विकल्प का चयन करें जिसमें नदी किनारे बसा स्थल असत्य है, ठीक है। नदी किनारे बसा स्थल असत्य है। इंद्रावती के किनारे बारसूर, बिल्कुल सत्य है, बहुत घाट परियोजना है वहीं। शिवनाथ नांदघाट, बिल्कुल सत्य है। हसदेव लखनघाट, बिल्कुल सत्य है। कन्हार नदी तालागांव तो बिलासपुर है, जो आपके मनियारी और बसंती नाला के संगम पर अवस्थित है, तो इसीलिए इसका होगा आंसर ऑप्शन नंबर डी। चलिए आगे चलते हैं, 62, कुटुमसार गुफा के समीप स्थित जलप्रपात, जो छत्तीसगढ़ के ऊंचे जलप्रपात में से एक है, ऊंचे जलप्रपात में से एक जलप्रपात माना जाता है, किस नदी पर स्थित है? तो इसके समीप है आपका तीरथगढ़ जलप्रपात, जो मुनगा बहार नदी पर है। हड़बड़ी में इंद्रावती टिक नहीं मार देंगे। चलिए आगे चलते हैं, मोंगरा बैराज किस नदी पर है? शिवनाथ नदी पर है। बेसिक फैक्चुअल क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 64 क्या लिखा है, प्रदेश सरकार द्वारा वन भैंसे पर डाक टिकट कब जारी की गई? तो इसका आंसर है 8 अक्टूबर 2019। फैक्चुअल चीज है, इसे आपको रटना पड़ेगा। फिर उसके बाद लिखा हुआ है छत्तीसगढ़ में अधिकांश वर्षा होती है। देखिए ये थोड़ा सा विवादित क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ में वर्षा अधिकांशतः होती है, ठीक, दक्षिण पूर्वी मानसून से दक्षिण पश्चिम, ये दोनों तो होता ही नहीं है, इसको तो काटे ही देना। देखिए ध्यान रखिए, पूरे भारत में वर्षा दक्षिण पश्चिम मानसून से ही होती है, पूरे भारत में वर्षा ना, भारत की यदि हम आकृति माने, लगभग मान लीजिए इस प्रकार भारत की आकृति है, ये दक्षिण पश्चिम मानसून से वर्षा होती है, ठीक। और जो बंगाल की खाड़ी से मानसून आ रहा है वो दक्षिण पश्चिम मानसून ही है, कुछ कारणों की वजह से ये उत्तर पश्चिम दिशा में अट्रैक्ट होता है। पहला तो ये अराकान यूमा से टकराता है, इसलिए इधर अट्रैक्ट होता है, मानसून इधर टकरा के रिफ्लेक्ट होता है। दूसरा, ताप के कारण इस तरफ निम्न दाब का क्षेत्र बन जाता है, इधर उच्च दाब का क्षेत्र, और हवाएं उच्च दाब से निम्न दाब की ओर आकर्षित होती है। तो है तो ये दक्षिण पश्चिम मानसून ही, लेकिन प्रवेश करता है दक्षिण पूर्व दिशा से। ये थोड़ा सा एक मैं आपको बेसिक बता दिया। अब यहां पर हम बात करें तो क्वेश्चन में हमें आंसर क्या लेना है, तो क्वेश्चन में इंडिया के किसी भी एग्जाम में पूछा जाए तो आपका आंसर दक्षिण पश्चिम मानसून ही होगा, लेकिन छत्तीसगढ़ में अगर सीजीपीएससी पूछ रहा है तो आपका आंसर क्या है, दक्षिण पूर्वी मानसून। सीजीपीएससी प्रीलिम के एग्जाम में इसे आंसर लिया गया है। इसके बाद भी एक एग्जाम में दक्षिण पूर्वी मानसून से ही अधिकांश वर्षा होती, ये भी आंसर लिया गया है। तो इसीलिए जब जब सीजीपीएससी में क्वेश्चन आएगा आपको क्या आंसर लेना है, दक्षिण पूर्वी मानसून। लेकिन दक्षिण पूर्वी मानसून जैसा कुछ होता नहीं है, है आपका दक्षिण पश्चिम मानसून ही, अरब सागर की शाखा,
और बंगाल की खाड़ी की शाखा, ऐसे उसे डिफाइन किया जाता है। तो कॉन्स्टेंट वाइज ध्यान रखेंगे, लेकिन सीजीपीएससी प्री में क्या टिक करना है, दक्षिण पूर्वी मानसून, इसीलिए हमने भी आंसर यही लिया। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 66, निम्न में से नदी पौराणिक नाम सुमेलित नहीं है, ठीक है, या सुमेलित, हाँ पौराणिक नाम सुमेलित नहीं है, महानदी की नीलोत्पला है, शिवनाथ कसूनी है, रंड का रेणुका है, मांड का मतंग नहीं है, मांड नदी का है आपका मंदगा, ठीक है, मतंग नहीं है, ध्यान रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 67, निम्न में से कौन सी नदी परियोजना कबीरधाम जिले में स्थित है, तो कबीरधाम जिले में आपका सरोदा तो स्थित है ही, शीरपानी स्थित है ही, गोंदली नहीं है, बालोद जिले में, और घुमरिया नाला आपका राजनंदगांव जिले में है, इसीलिए कौन कौन सी स्थित नहीं है, तो 2 और 4, यानी आपका ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा, सी, ध्यान रखेंगे। चलिए आगे देखते हैं। अब ये दंडकारण्य, दंडकारण्य का जो अक्षांशी विस्तार है ये आपको रटना पड़ेगा ऑप्शन नंबर ए, 1746 से लेके 2034 तक। ये बहुत कठिन क्वेश्चन भी नहीं था, और आपको हर संभाग का रटना है या हर जगह का रटना है ऐसा भी नहीं है। छत्तीसगढ़ का अक्षांशी विस्तार 1746 से प्रारंभ हो रहा है, और 1746 से प्रारंभ होने वाला आपका एक ही ऑप्शन है, कौन सा, ऑप्शन नंबर ए, तो आप ऐसे भी टिक इसे मार ही सकते हैं। ठीक, चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 69 हमें क्या कह रहा है, छत्तीसगढ़ बेसिन के संबंध में कथनों पर विचार करें, छत्तीसगढ़ बेसिन के संबंध में किन कथनों पर विचार करना है हमें, सही कथन, सत्य कथन, यह महानदी बेसिन का क्षेत्र है, बिल्कुल सही है, आकृति पंखाकार है, बिल्कुल सही है, इस क्षेत्र में कड़प्पा क्रम की चट्टानों का विस्तार है, जी हाँ बिल्कुल सही है, इसीलिए सभी ऑप्शन नंबर डी। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 70, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 70 की हम बात करें तो लिखा हुआ है कथन एक, हसदो मांड बेसिन का विस्तार छत्तीसगढ़ बेसिन के दक्षिण पश्चिम भाग में है, दक्षिण पश्चिम में नहीं है, उत्तर तरफ है, तो पहला तो गलत लग रहा है। दूसरा, हसदो मांड बेसिन का विस्तार कोरबा जांजगीर चांपा रायगढ़ जिले में, जी हाँ बिल्कुल सही है, यानी कथन एक गलत है और कथन दो सही है, तो असत्य कथन का चयन करना है, तो असत्य कथन क्या होगा आपका, केवल दो, ध्यान रखना है ना, सत्य और असत्य किसका आपको चयन करना है, तो असत्य कथन का चयन, तो असत्य हमारा असत्य कथनों का चयन करना है ना, सॉरी, तो असत्य कथन हमारा कौन सा है, केवल कथन एक, सत्य और असत्य में ही डाउट होता है, ध्यान रखेंगे, ये वाला तो सत्य भाई, दूसरा वाला, पहला वाला क्या है, असत्य। चलिए, मांड एवं केलो नदी के मध्य जल विभाजक का पर्वत है, मांड एवं केलो नदी के मध्य याद रखना है कौन सी पहाड़ी होती है, उदयपुर की पहाड़ी, किसके किसके मध्य, मांड और केलो के मध्य है, ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। इसके बाद यहां आते हैं गोलापल्ली पठार, गोलापल्ली पठार प्रदेश के किस स्थान पर अवस्थित है, छत्तीसगढ़ का सबसे दक्षिणी पठारी क्षेत्र है गोलापल्ली पहाड़, तो खैरागढ़ तहसील बिल्कुल नहीं है, बस्तर जिला के मध्य भाग में बिल्कुल नहीं है, कोंटा तहसील के दक्षिण भाग हो सकता है, पत्थलगांव बिल्कुल नहीं है, इसीलिए ऑप्शन नंबर क्या होगा, सी, जो छत्तीसगढ़ का भौतिक विभाजन है दंडकारण्य, दंडकारण्य का जो सबसे दक्षिणी हिस्सा है वही कहलाता है गोलापल्ली पठार, ठीक है, मतलब गोलापल्ली पठार के नीचे फिर आपका शबरी गोदावरी का मैदान रहेगा, तो सबसे दक्षिणी पठारी हिस्सा है गोलापल्ली पठार, ठीक। फिर क्या लिखा हुआ है यहां पर, क्वेश्चन नंबर 73, छत्तीसगढ़ में किस मृदा का क्रम अधिकतम क्षेत्रफल दिखाता है, तो ये शब्द आपको रटना पड़ेगा, ये कहलाता है अल्फी सॉल, सर्वाधिक अल्फी सॉल ही रहेगा, ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। निम्न में असत्य है, छत्तीसगढ़ राज्य की स्थापना मध्य प्रदेश राज्य पुनर्गठन द्वारा हुई है, बिल्कुल सत्य है, 44 वर्षों तक मध्य प्रदेश में रहा है, बिल्कुल सत्य है, राजधानी रायपुर, ये बहुत सारे विद्यार्थियों को डाउट रहा है, क्षेत्रफल 135-192 लगभग, ये भी बिल्कुल सत्य है, देखिए एक्चुअल में क्या है, छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर है, लेकिन छत्तीसगढ़ की राजधानी आज की डेट में क्या है, नवा रायपुर है, राजधानी उसी जगह को माना जाता है जहां उसका सचिवालय हो, मंत्रालय हो, अवस्थित हो, और वो कहां पर है, हमारा नवा रायपुर में है, न कि रायपुर में, ध्यान रखेंगे।
अब ये नहीं सोचना है रायपुर ही नवा रायपुर है। स्मार्ट सिटी योजना की हम बात करें, छत्तीसगढ़ के 3 शहर शामिल है, रायपुर, नया रायपुर और बिलासपुर। तो इसीलिए नवा रायपुर नया रायपुर अलग लेना। चलो आगे चलते हैं। प्रदेश के किस जिले से कर्क रेखा की लंबाई सर्वाधिक है? तो प्रदेश के किस जिले में कर्क रेखा की लंबाई सर्वाधिक है? तो बलरामपुर में सर्वाधिक है। मनेन्द्रगढ़, भानु प्रतापपुर, चिरमिरी तो अब छोटा हो गया, सकरा हो गया, मेरिया था ही नहीं कुछ, सूरजपुर भी सकरा जिला ही था, वहां भी सर्वाधिक नहीं। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 74 में आते हैं, सॉरी 76 में आते हैं। छत्तीसगढ़ निर्माण के समय कौन सा जिला नहीं बना था? तो छत्तीसगढ़ निर्माण के समय बीजापुर नहीं बना था, बीजापुर नारायणपुर बाद में अलग से बना है, ठीक है। छत्तीसगढ़ संग्राम मंच का गठन कब किया गया था? तो छत्तीसगढ़ संग्राम मंच का गठन किया गया था 1983, शंकर गुहानी योगी, नाम याद रखना है, ठीक है। पूर्वी बघेलखंड पठार में अवस्थित चोटी है, पूर्वी बघेलखंड पठार की यदि हम बात करें तो गौरलाटा तो आपका दंडकारण्य में है, बदरगढ़ मैकल में है, बैलाडीला भी दंडकारण्य में, इसीलिए आंसर क्या होगा, इनमें से कोई नहीं। पूर्वी बघेलखंड पठार की चोटी आपका इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 79, छत्तीसगढ़ की सबसे लंबी सीमा को छूने वाला राज्य कौन सा है? उड़ीसा है। चाहे जिले नए बने या ना बने, सबसे ज्यादा अंतर्राज्यीय सीमा छत्तीसगढ़ की किस राज्य के साथ है? तो पहले नंबर में सॉरी उड़ीसा के साथ है, दूसरे नंबर में एमपी के साथ है। 80, जसपुर पाट के संबंध में असत्य कथन को पहचानना है। जसपुर पाट के संबंध में असत्य कथन, ठीक, क्या लिखा हुआ है? इसे ईब मैनी बेसिन भी कहते हैं, तो ईब और उसकी सहायक नदी मैनी बहती है, ईब और मैनी बेसिन कह सकते हैं, बिल्कुल सही। यह ऊपर घाट के अंतर्गत आता है, गलत है। जसपुर को नीच घाट या नीच पाट कहते हैं, और जो आपका सामरी है या आपका लहसुन पाट या कुसमी पाट है, ये क्या कहलाएगा? आपका ऊंच पाट कहलाता है, ठीक है। तो यह ऊपर पाट है, ये वाला गलत है, तो दूसरा आपका आंसर आएगा। यह सबसे बड़ा पाट है, बिल्कुल सही है। इसके पूर्व में ईब नदी काकिया क्षेत्र का निर्माण करती है, गलत है, यानी दूसरा और चौथा गलत है, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका यहां पर आंसर होगा। चलिए आगे चलते हैं। नाडापल्ली पहाड़ किस क्षेत्र में है? तो नड्डापल्ली पहाड़ बीजापुर में है। पल्ली पल्ली वर्ड आया ना, तो बीजापुर की तरफ आप टिक मार सकते हो। वावापल्ली, नाडापल्ली, पोषणपल्ली, ये सब पहाड़ है और गुफाएं हैं, कहां है? बीजापुर के क्षेत्र में, ठीक। चलिए आगे चलते हैं। केश काल के संदर्भ में सत्य कथन है, केश काल के संदर्भ में सत्य कथन। इसे बस्तर का निकासी द्वार, अरे निकासी नहीं कहते हैं, क्या कहते हैं? प्रवेश द्वार कहते हैं, इसीलिए क्या हो गया? असत्य, यानी ऑप्शन नंबर एक आंसर नहीं आएगा, यानी ये वाला ऑप्शन तो आप सीधा काट सकते हो, आपको सत्य कथन छाटना है। इसमें 12 मोड़ है, जी हाँ बिल्कुल सही है। उपस्थित घाटी केश काल और तिलिन घाटी है, बिल्कुल सही है। केश काल घाटी छत्तीसगढ़ बेसिन और बस्तर के पठार के बीच सीमा बनाता है, तो केश काल घाटी इसके बीच सीमा बनाता है, जी हाँ ये भी बिल्कुल सही है। इसीलिए हमारा आंसर होगा क्या? 2, 3 और 4, पहला वाला नहीं होगा, ध्यान रहेगा। चलो आगे चलते हैं। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 83। प्रदेश की निम्न चोटियों को उनकी ऊंचाई के अनुसार घटते क्रम में जमाइए। भाई टेस्ट सीरीज के दौरान इस क्वेश्चन को हमारे द्वारा डिलीट किया गया है। क्यों डिलीट किया गया है, मैं छोटा सा एक्सप्लेनेशन आपको बता देता हूं। अगर लाफागढ़ की बात करूं तो लाफागढ़ की चोटी है आपकी 1048, बदरगढ़ है आपकी 1176, डोंगरगढ़ की है 704, अब पलमागढ़ की है 1080, ठीक। अब आपको किस क्रम में जमाना है, घटते क्रम में जमाना है। घटते क्रम में जमाएंगे तो सबसे पहले क्या आएगा? बदरगढ़, यानी ये और ये ऑप्शन सही हो सकता है, सी वाला तो बिल्कुल गलत है। बदरगढ़ के बाद कौन सा आना चाहिए आपका? दूसरा नंबर पलमागढ़, लेकिन 3 के बाद दूसरा नंबर किसी भी ऑप्शन में नहीं है, इसीलिए इस क्वेश्चन को हमने क्या कर दिया था, इस सीरीज के अंतर्गत डिलीट कर दिया था। बाकी एक्सप्लेनेशन तो आपको क्लियर हो गया, ठीक। चलिए आगे चलते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है, ये क्वेश्चन हमसे ये कह रहा है कि अगर आप राज्य में सर्वाधिक वर्षा वाले क्षेत्रों का भ्रमण करना चाहेंगे तो कहां जाना नहीं चाहेंगे। तो भाई स्वाभाविक है, सर्वाधिक वर्षा का क्षेत्र यानी कम वर्षा के क्षेत्र को आप पहले काटो। माइकल श्रेणी का पूर्वी भाग वृष्टि छाया क्षेत्र है, ये तो आएगा ही नहीं वहां पर, यहां पर नहीं जाना चाहेंगे।
महानदी का जो मैदानी क्षेत्र है, मैदानी क्षेत्र में वैसे भी कम वर्षा होती है क्योंकि उच्च क्षेत्र नहीं है जो मानसूनी पवनों के सामने अवरोध बने और वर्षा करे, ठीक। तो इसीलिए मध्यवर्ती महानदी बेसिन, बाकी अबूझमाड़ की पहाड़ी में भी अच्छी खासी वर्षा होती है, देवगढ़ की पहाड़ी के उत्तरी भाग में अधिक वर्षा होती है, यहाँ तो सर्वाधिक वर्षा होती है, रायगढ़ बेसिन में भी सर्वाधिक वर्षा होती है, तो ये तीनों जगह वर्षा होती है। अब कहाँ नहीं जाना चाहेंगे, राज्य में सर्वाधिक वर्षा वाले क्षेत्र का भ्रमण करना है तो कहाँ नहीं जाएंगे, हम तीसरा और पांचवा नहीं जाएंगे, यानी ऑप्शन नंबर डी, ठीक है, संभल के टिक करेंगे। चलिए आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 85। क्वेश्चन नंबर 85 हमें क्या कह रहा है कि दंडकारण्य प्रदेश सीमा का निर्धारण होता है दक्षिण में गोदावरी नदी के घाटी द्वारा, होता है उत्तर में महानदी के मैदान द्वारा, दंडकारण्य का होता है, बिल्कुल होता है, पूर्व में वेन गंगा और गोदावरी नदी घाटी के द्वारा, पूर्व में नहीं है ये पश्चिम में है, ये शब्द ध्यान रखना है ना, हड़बड़ी में गलत नहीं कर देना, इसीलिए वाला क्या होगा, गलत होगा। पश्चिम में सबरी नदी द्वारा, पश्चिम में सबरी नदी द्वारा नहीं है, पूर्व में सबरी नदी द्वारा, इसीलिए ये भी क्या हो जाएगा, गलत। तो पहला और दूसरा ही सत्य है और बाकी सभी असत्य है, ध्यान से बनाएंगे। चलिए आगे चलते हैं, अगला लिखा हुआ है उड़ीसा और छत्तीसगढ़ के मध्य महानदी जल विवाद के लिए न्यायाधिकरण का गठन किया गया, इसके अध्यक्ष है A.M. खानविलकर, ये नाम आपको रटना पड़ेगा, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं, छत्तीसगढ़ की भौगोलिक स्थिति के संबंध में विचार करना है और हमें असत्य कथन को पहचानना है, ठीक है, जो कथन असत्य है। छत्तीसगढ़ प्रायद्वीपी पठार का उत्तर पश्चिमी हिस्सा है, ये तो असत्य है क्योंकि उत्तर पूर्वी हिस्सा है, तो पहला वाला हमारा असत्य हो जाएगा। छत्तीसगढ़ प्रायद्वीपी पठार का उत्तर पूर्वी हिस्सा है, बिल्कुल सही है। प्रायद्वीपी पठार की ऊंचाई पूर्व से पश्चिम की ओर बढ़ती है, हाँ, भारतीय प्रायद्वीपी पठार की ऊंचाई पूर्व से पश्चिम की ओर बढ़ती है, इसीलिए सारी ढाल कहाँ है, पूर्व एवं दक्षिण पूर्व की ओर है, तो ये भी सही है। इस संदर्भ में छत्तीसगढ़ की ढाल पश्चिम से पूर्व की ओर कम होती है, पूरे प्रायद्वीपी भारत की होती है, इसीलिए सही है। छत्तीसगढ़ का पूर्वी हिस्सा पश्चिम में पूर्वी हिस्सा पश्चिम से कम ऊंचा है, यस, बिल्कुल सही है। प्रायद्वीपी पठार का पश्चिमी हिस्सा पूर्व से कम ऊंचा है, नहीं, पश्चिमी हिस्सा पूर्व से ज्यादा ऊंचा है, ये गलत, और हमें असत्य पहचानना है, तो पहला और छठवा असत्य है, इसीलिए ऑप्शन नंबर बी, सावधानी से पढ़ना है ना, उसी उसी कथनों को बार बार लिखा गया। चलिए आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 88। क्वेश्चन नंबर 88 को हमने डिलीट कर दिया है, क्वेश्चन नंबर 88 को डिलीट करने का कारण है, बहुत ही सिंपल कारण है, ज्यादा इसमें विचार नहीं करना, एग्जाम में भी ऐसा कुछ गड़बड़ दिखे तो आप तुरंत उसे छोड़ के आगे बढ़िए। शंखिनी नदी सीधे सीधे इंद्रावती नदी में नहीं मिलती है, शंखिनी नदी मिलती है डंकनी नदी में और डंकनी नदी मिलती है इंद्रावती नदी में, इसीलिए इस क्वेश्चन को हमने क्या कर दिया है, डिलीट। चलिए आगे चलते हैं, ज्यादा इस पे विचार नहीं करते, अगले क्वेश्चन में आते हैं। जसपुर सामरी पाट प्रदेश का हिस्सा नहीं है, इसको बहुत पढ़ने की जरूरत नहीं, घरघोड़ा रायगढ़ में है, इसीलिए जसपुर सामरी पाट प्रदेश का हिस्सा नहीं है। क्वेश्चन नंबर 90 आते हैं, असुमेलित का चयन करें, छत्तीसगढ़ राज्य का जन घनत्व 189, बिल्कुल सही है। छत्तीसगढ़ की ग्रामीण जनसंख्या प्रतिशत 76, बिल्कुल सही है। लिंगानुपात 0 से 6, 9, 9, 1, तो छत्तीसगढ़ का कुल लिंगानुपात है, छत्तीसगढ़ का 0 से 6 वर्ष का जो लिंगानुपात है वो 969 है, 969 है, इसीलिए सी वाला गलत रहेगा, असुमेलित है। और वृद्धि दर 22.61, बिल्कुल सही, ठीक है। चलिए अब आर्थिक सर्वेक्षण फैक्चुअल क्वेश्चन है, जिसे आपको बिल्कुल रटना है और चीजों को ध्यान रखना है, आर्थिक सर्वेक्षण पे के आधार पे जो प्रश्न है उन्हें हम लाइन से देखते जाते हैं। पहला क्या लिखा हुआ है, प्रदेश में स्थापित मछुआरा सहकारी समितियों की संख्या, तो ये संख्या बिल्कुल याद रखना, रट लेना है, कितनी है, 1674। आर्थिक सर्वेक्षण पे जो बेस्ड क्वेश्चन रहेंगे ये पूरे आपके रटने वाले ही क्वेश्चन है, आर्थिक सर्वेक्षण को मेरी सलाह रहेगी काफी ध्यान से पढ़ें, किसी भी नोट्स को फॉलो करें, या जैसे ही इकोनॉमी और आर्थिक सर्वेक्षण का एक टेस्ट सीरीज में हमारे विषय है ही, उसका जब डिटेल एक्सप्लेनेशन मैं करूंगा तो आर्थिक सर्वेक्षण के बहुत सारे फैक्ट आपके लिए मैं कवर कर दूंगा, ठीक। चलिए आगे देखते हैं, निम्न में से किस फसल के उत्पादन में वर्ष 2020 की तुलना में 2021 में वृद्धि हुई है, तो याद रखना है किस में वृद्धि हुई है,
मक्का में, दिए गए ऑप्शन में केवल मक्का में वृद्धि हुई। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 93 हमें कह रहा है कि प्रदेश में किस दलहन फसल का बोया गया क्षेत्रफल सर्वाधिक है। दलहन में छत्तीसगढ़ में हर इकोनॉमिक सर्वे में लगभग चना ही सर्वाधिक रहता है, तो ऐसा क्वेश्चन कभी भी आए आप चना को आंख मूंद के टीक मार सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 94, क्वेश्चन नंबर 94 हमें क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 94 ये कह रहा है कि प्रदेश के निम्न जिलों को संपूर्ण फसल के क्षेत्रफल के सिंचित क्षेत्रफल के प्रतिशत के आधार पर व्यवस्थित करें। ठीक है, घटते क्रम में व्यवस्थित करना है, यानी सबसे बड़े को हमें सबसे पहले बताना है। तो सबसे बड़े की हम बात करें तो सबसे ज्यादा सिंचित क्षेत्रफल जांजगीर का है, यानी पहले नंबर में हमारा क्या आ जाएगा, जांजगीर आ जाएगा। और ऐसे हमारे सभी ऑप्शन है, इसीलिए 100% सही आंसर आपका कौन सा है, जांजगीर का ही है। उसके बाद दूसरे नंबर की हम बात करें तो दूसरे नंबर में कौन आ जाएगा, रायपुर का सिंचित क्षेत्रफल है, यानी कि एक एक और एक, यानी डी वाला तो आपका आंसर नहीं हो सकता। तीसरे नंबर की हम बात करें तो तीसरे नंबर में आता है आपका दुर्ग, यानी दुर्ग में ये चार और ये चार, यानी बी वाला तो आपका आंसर नहीं हो सकता। चौथे नंबर की हम बात करें तो चौथे नंबर में आता है बलौदा बाजार, चौथे नंबर में बलौदा बाजार आएगा अर्थात दो, यानी ये वाला आंसर नहीं हो सकता, केवल सी ही आंसर है। और पांचवें नंबर में आपका आ जाएगा गौरेला पेंड्रा मरवाही, जहां पर सिंचित क्षेत्र कम है, पहाड़ी क्षेत्र स्वाभाविक है। तो इस प्रकार आप इसके आंसर को टिक करेंगे। चलिए आगे चलते हैं। प्रदेश में सिंचाई का प्रतिशत कितना हो गया है, तो 38.75 हो गया है। प्रदेश में सिंचाई का प्रतिशत कितना हो गया है, 38.75, ऑप्शन नंबर बी, ध्यान रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 96 जो है ये हमारे द्वारा टेस्ट सीरीज में डिलीट किया गया है। ठीक, क्यों डिलीट किया गया है, इसके कारण को हम समझ लेते हैं। भाई इसमें लिखा है कि सूची मिलान करें सिंचाई योजना और उसकी संख्या के अनुसार इसे मिलान करें। तो वृहद योजना 8, बिल्कुल सही लिखा है। ठीक है, लघु की हम बात करें तो लघु योजना जो है हमारा 2447, ये भी सही लिखा हुआ है। एनी कट और स्टॉप डैम की हम बात करें तो एनी कट और स्टॉप डैम की जो संख्या है वो 806 है, ये वाला डेटा गलत हो गया है। और मध्यम योजनाओं की संख्या कितनी है, 38 है, इसलिए इस प्रश्न को डिलीट किया गया है। तो इसके एक्सप्लेनेशन को थोड़ा समझ लेंगे। आपके वृहद 8 ही है, उसी के बाद जो लिखा है बिल्कुल सही है। लघु आपका 2447 ही है, बिल्कुल सही है। मध्यम की संख्या 38 है, ना कि एनी कट और स्टॉप डैम, मध्यम की 38 है और एनी कट और स्टॉप डैम की कितनी है, 806। नोट डाउन कर लेंगे, ध्यान रखेंगे इसे। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 97, 2022-23 में जैविक खेती मिशन में कितनी भूमि को परंपरागत किसी विकास फसल के प्रदर्शन के लिए चिन्हांकित किया गया। बहुत ही आसान डेटा है, 1000 हेक्टेयर। इसका आंसर क्या होगा आपका, 1000 हेक्टेयर। चलिए अंतिम तीन प्रश्नों में आते हैं। भाई लगातार ये प्रश्न हमारे चल ही रहे हैं, ठीक, अब इसे खत्म करके ही हम पानी पिएंगे। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 98 क्या कह रहा है, 98 कह रहा है कि राज्य में उत्पादित जैविक फसल के अंतर्गत उत्पादित सुगंधित धान की किस्में कौन सी है। तो सुगंधित धान की किस्में कौन सी है, बहुत सारा है, कौन सी नहीं है, कोसरा नहीं है और सावा नहीं है, यानी चौथा और पांचवा नहीं है। तो पहला दूसरा तीसरा छठवा, पहला दूसरा तीसरा छठवा, ऑप्शन नंबर सी। जब बहुत सारे ऑप्शन रहे कौन से है तो कौन से नहीं है वालों को पहले ढूंढिए, तो आंसर आपको जल्दी मिलेगा। अगर उत्तर पता है तो, नहीं पता है तो उसे छोड़ना ही समझदारी है। चलिए आगे चलते हैं। अब यहां पर आते हैं, क्या लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर 99, क्वेश्चन नंबर 99 ये लिखा हुआ है, कथन एक, कृषि यंत्रीकरण हेतु कृषि सेवा केंद्र स्थापित करने हेतु 5 लाख रुपए अनुदान दिया जाता है। ठीक है, ये आपका सही नहीं है। कथन दो लिखा हुआ है, राज्य में अब तक 2805 कृषि यंत्र सेवा की स्थापना की गई है। असत्य कथन का चयन करना है, यानी केवल दो सही होगा, पहला वाला आपका सही नहीं है। फिर अगला क्वेश्चन आते हैं, आखिरी क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 100, सही जोड़ी मिलाइए। ठीक है, ये आपका रटने वाला क्वेश्चन है, इसे आप अगर याद रखेंगे तो बिल्कुल इसे याद रखना है कि
जो हमारा वर्मी कंपोस्ट होता है वो 10 रुपए के हिसाब से इतना क्विंटल, सुपर कंपोस्ट होता है 6 रुपए के हिसाब से इतना क्विंटल, और सुपर कंपोस्ट प्लस होता है वो 6 रुपए 50 पैसे के हिसाब से इतने क्विंटल का विक्रय है, अर्थात ए ए दो बीटा, यानी जो पहला वाला आएगा हमारा ए दो बीटा वाला कौन सा है हमारा, ये वाला है। फिर जो दूसरा वाला आएगा हमारा बी बी तीन गामा, बी तीन गामा, यही भी मैच खा रहा है हमारा। और जो हमारा तीसरा वाला आएगा सी एक अल्फा, यानी सी एक अल्फा, यानी ऑप्शन नंबर बी हमारा आंसर। तो जोड़ी बनाओ के प्रश्न ऐसे भी हो सकते हैं जहां आपको तीन तीन जोड़ी मिलान करना पड़े। तो चलिए, ये रहा हमारा टेस्ट सीरीज का पहला डिटेल एक्सप्लेनेशन। मैं आशा करता हूं कि आपको एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा होगा, आपके सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। इसके अलावा और भी यदि कोई डाउट्स है तो आप बिल्कुल संस्थान से संपर्क कर सकते हैं, आप सीधा मुझसे भी संपर्क कर सकते हैं। आप मेरे नंबर 6261813354 में सीधा मुझसे संपर्क कर सकते हैं। चंद्रा एकेडमी के ऑफलाइन और ऑनलाइन टेस्ट सीरीज दोनों का आप लाभ उठा सकते हैं। इसके साथ ही चंद्रा एकेडमी की ऑफलाइन और ऑनलाइन कक्षाओं का भी आप लाभ उठा सकते हैं। ठीक, तो चलिए आज के लिए मैं इतना ही रखता हूं। अगले डिटेल एक्सप्लेनेशन के साथ अगले टेस्ट सीरीज, और जो टेस्ट नहीं दे रहे हैं उनके लिए एक और अगले मास्टर रिविजन के साथ छत्तीसगढ़ भूगोल भाग 2 के साथ आपसे मुलाकात होगी। थैंक यू।